He is a very regular to study circle hour and he is a, like our elder brother he always ready to apprise us on various subject whether it is a accounting standard or code of ethics bank branch audit and all other subjects and uh, as a introduction i would like to add only one thing that after the attending this webinar two hours you would be in a position to do the bank audit with more confidence, and sir will not left anything which is required for the bank audit. I think so, sir. And with this, sir, I also once again welcome you, sir, and over to you, sir. Thank you, Rajesh Bhai. At the outside, I'm really grateful to my own brother, Rajesh Sagravalji, Karol Study Circle. <coughs> Karol Bagh you sir. करोलबाग पूसा रोड कुछ भी कह दो सर सब अच्छा। बराबर ही है पूरा एनसीआर स्टडी सर्कल भी कह सकते हैं आपका तो दीपक अरोरा जी मनोज सिंधवानी जी और जैन साहब और जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं स्क्रीन पर वो लोग सभी हमारे ऑल द पार्टिसिपेंट्स एट द आउटसाइड मैं अपने हैंड फोल्डेड आप सब से आप सबका स्वागत करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत दूर जा रहा है हम लोगों से धीरे-धीरे अटेंडेंस थिन होती जा रही है तो राजेश भाई ने इसीलिए डिसाइड किया कि इसको थिन अटेंडेंस को हम वेबिनार के थ्रू <laughs> कैप्चर करते हैं अदरवाइज इट हैज टू बी ए बेसिकली फेस्टिवल काइंड ऑफ सेमिनार क्यों राजेश जी इसको एक फेस्टिवल की तरह पहले करते थे तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ये है सर कि अगर कुछ लोगों के पास कोई फीडबैक अलॉटमेंट का क्या तो अपडेट कर दें। really, अगर in, in terms, as as branch, राजेश भाई आपके बीच बीच में इनपुट चाहूंगा आप ही रखो अपने आप को सर, सर वो एक जरा चेयरमैन साहब का फोन था मैं आप सब लोगों को बता दूं एनआईआरसी एन आई का आ, होली का फंक्शन होने जा रहा है तेईस तारीख को अच्छा तो वो भी चेयरमैन साहब का ही फोन था अच्छा तो मतलब गुजिया मिलेगी <laughs> सर एन से का एक प्रोग्राम कल भी है बैंक ऑडिट से रिलेटेड ही है जी 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 सर तो अभी तक स्टेटस एस सच अपडेट नहीं है कोई अलॉटमेंट का बट लास्ट ईयर का जिस तरह से आरबीआई का सर्कुलर आया था फ्रेंड्स उसमें उन्होंने इस इस साल से मतलब ट्वेंटी थ्री से बैंकों को फुल लिबर्टी दे दी है ट लास्ट ईयर दे वर रिक्वायर टू गेट एडवांस अपू सेवेंटी टोटल बैंक फंड लेकिन इस बार राजेश उन्होंने कह दिया कि भाई आप अपने आप डिसाइड कर लो कि आपने सेवेंटी परसेंट का कराना है सिक्सटी का कराना है फिफ्टी का कराना है तो इट इज ए बेसिकली नॉट ए गुड न्यूज हम तो यही कहेंगे निगेटिव है ये प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और

एट्टी परसेंट हुआ और फिर सेवेंटी परसेंट हुआ और सेवेंटी के बाद आप फुल लिबर्टी दे दी बैंकों को कि आप चाहे तो ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करें चाहे तो मैं नहीं करें तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कितना रिस्पॉन्सिबल है वो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा फ्रेंड्स लेकिन मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी चीज मैं कह रहा हूं तो सबसे पहले लाइन में अगर कल्प्रिट के हूं तो मैं हूं विथ ऑल माई ह्यूमिलिटी एंड हमवलनेस आई एम दस्ट पर्सन हु दूस डों बैंक ब्रांच ऑडिट का जाने का यही रहा सर, सर एक कॉल ले लू एन आई आर सी से जस्ट वो बस होली के लिए ही ले लो सर नहीं कल के प्रोग्राम के लिए एक जस्ट ए मिनट ले लो, ले लो सर ले लो, नमस्कार सर कैसे है साहब सर आप आप म्यूटेड हो गुरुजी आप म्यूटेड हो मैंने आपको म्यूट कर दिया था सर नहीं अभी आप म्यूट म्यूटेड ही हो सर अनम्यूट करो नीचे होगा सर नीचे आपके लेफ्ट हैंड पे नीचे लेफ्ट हैंड पे म्यूट अनम्यूट नहीं अभी आप म्यूटेड ही हो सर आज टू अनम्यूट देखो मैं अब आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ अनम्यूट की हो गया हो गया हाँ ठीक है सर सर तो राजेश भाई सिंस यू आर मोटिवेटिंग के स्लाइड्स आप हमारी देख लेते हैं तो मैंने एक नई स्लाइड आपके लिए बनाई आज आज ही बनवाई है बिल्कुल ऑल गुड बारह पब्लिक सेक्टर बैंकों की एनुअल रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके लास्ट ईयर की तो आप देखेंगे स्क्रीन पे ट्वेंटी में

तो अब आप ये देख लेंगे अगर अनदर टेन परसेंट का आएगा ये डाउनफॉल करते हैं इस बार सेवेंटी से सिक्सटी लेके आते हैं तो टेन थाउजेंड से ज्यादा फर्म्स को काम मिलने वाला नहीं है अब अगर हम अपने सभी फ्रेंड्स जो हैं जो ऑनलाइन हैं उनसे बात करूं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे इसको कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट राजेश भाई क्या आपने लगता? पहली कह पहली कह दिया कि मैं भी हूं हाँ <laughs> <laughs> मैं भी होगा मतलब हम भी है सर दैट्स आई आई सैल्यूट यू सर आई आई सैल्यूट यू फ्रेंड्स रियली बिलीव मी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और उसका मैं रीजन बताता हूं आपको आज से पांच साल पहले अपर हाउस ऑफ द कंट्री में एक रिपोर्ट रखी गई राज्यसभा में और उसमें उन्होंने डेटा दिया ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सर दीपक जी 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 उन्होंने कहा ओनली थ्री परसेंट ऑफ द बैंक ब्रांचेज सजेस्टेड बाय द ऑडिटर्स ये डेटा अपर हाउस में दिया गया राज्यसभा में दिया गया जो मिनिस्टर होता उसने दिया, ने 3 में auditors, branch, auditors करते है एच फॉर एज पब्लिक सेक्टर और एक रिपोर्ट फर्दर एक रिपोर्ट और एक एक्सपीरियंस फर्दर उसका बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दो है ना सर तीन परसेंट एमओसी सजेस्ट होती है इसका मतलब 97 परसेंट ब्रांचेज आर एक्सेप्टेड एज इट इज बाई द स्टेचुटरी ब्रांच ऑडिटर्स और एक बेस्ड ऑन द नॉलेज बेसिकली एक्सपीरियंस ऑफ द एस ये कहा गया कि 80 परसेंट ऑफ द एमओसीज आर नॉट वर्थ वाइल्ड वर्थ वाइल्ड का मतलब क्या हो गया कि या तो वो गलत तरीके से सजेस्ट कर दी गई जिस कोड में डालनी चाहिए थी वो कोड गलत डाला गया या वो से नीचे सजेस्ट कर दी गई तो अब आप दीपक भाई बताओ थ्री परसेंट तो टोटल थी उसमें से एट्टी परसेंट वर्थवाइल नहीं है मतलब थ्री का भी पॉइंट पॉइंट थ्री का भी टू परसेंट ले लो सीधा नहीं <laughs> थ्री परसेंट का एट्टी परसेंट निकाल दो पहले आप ट्वेंटी हाँ, तो परसेंट रह गया 3 हाँ, का ट्वेंटी दिस इज द रीजन फॉर गोइंग दिस असाइनमेंट और जब ये इस तरह के डेटा कोलेक्ट किए गए तो एक सर्कुलर आया आरबीआई का और इस सर्कुलर को राजेश भाई मैं पिछले पांच साल से डिस्कस कर रहा हूँ आज नहीं पांच साल से मैंने पांच साल पहले कह दिया था कि ये असाइनमेंट खत्म हो जाएगा और वो सर्कुलर में आप आपको दिखाना चाह रहा हूं वो सर्कुलर ने क्या कहा ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं सर थ्री परसेंट काम कि वेर वीवर इसने कहा ये सर्कुलर है सर राजेश भाई 2018 का क्योंकि राज्यसभा में रिपोर्ट चली गई थी एंड एस सी ए स्टेच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्सिया ऑन देशनल एफिशियंसिड रोबर्टनेस ऑफ सीबीएस उसने ये नहीं कहा कि आपकी एमओसी कम थी या कुछ और था डॉट लाइक दैट सर्कुलर ने आरबीआई किएगा ये आरबीआई का सर्कुलर है सर ऑपरेशनल एफिशियंशी एंड रोबर्टनेस ऑफ सीबीएस उसने तीन चीजों का हवाला दिया ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे होते हैं ना सर तीन चीजों का हवाला दिया ऑपरेशनल दूसरा और तीसरा इंटीग्रिटी ऑफ एम दीपक जी उन्होंने कहा ये तीन चीजें चूंक चु, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में हो गई है तो मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर बैंक में डिसाइड

अब आप हम आप जो भी लोग बैंक ब्रांच ऑडिट करते हैं उनको मालूम है कि कितनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है बैंकों में कितना रोबस्ट है सीबीएस वी ऑल नो लेकिन राजेश भाई कभी हमने चैलेंज नहीं किया रोबस्टनेस को कभी हमने ये नहीं कहा कि ये ऑपरेशनली एफिशिएंट नहीं है वी नेवर डेल्ट विद दिस बताइए आप कभी हमने अपनी रिपोर्ट में कहा हो कि आपकी जो सीबीएस है वो रोबस्ट नहीं है या हमने कहा हो कि आ, दे आर नॉट वर्किंग एफिशियंटली Operations में एफिशिएंसी नहीं है या सिस्टम ऑफ एनपीए आपका नहीं है जबकि वी ऑल आर ऐसी नहीं है, बताएं दीपक जी जो जहां स्टैंड करते हो सिस्टम अगर आइडेंटिफिकेशन आपका एनपीए का हो जाए तो हम भी मानते कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम ड्रिविन आइडेंटिफिकेशन नहीं है सर आज सर यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सिस्टम एनपीए की जो आप बात कर रहे हो तो हम जब हम जब बैंक ऑडिट पे जाते थे कुछ चार पांच साल पहले सर उस समय सिस्टम सिस्टम तो था फोर्स में यस। लेकिन फिर भी बैंक बैंक वालों के पास कुछ ऐसी चीजें होती है वो सिस्टम में कुछ मतलब मैनिपुलेशन करके और जो एनपीए होते हैं उनको स्टैंडर्डेट करके दिखाते हैं वो लोग तो ये ग्लिचेस पर... है उसमें इसीलिए स्टैचुरी ऑडिटर की जरूरत जाती है यहाँ पे सिस्टम के ऊपर आप रिलाय तब कर सकते हो जब उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन ना हो एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं दीपक जी यही रहा कि हम लोग एज ए ब्रांच ऑडिटर से इन सब चीजों को चैलेंज नहीं कर पाए हमने एमओसी ज्यादा से ज्यादा डलवा दी बहुत उसने तो 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 मेरा सर एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा बैंक ऑडिट में सर uh, सबसे पहले तो जैसे हम एनपीए uh, ढूंढते हैं उसमें तो बहुत सारे ऐसे एनपीए मिलते हैं जो बैंक वालों ने नहीं ढूंढ पाएगे कि भाई ये उनको पता होता है ये एनपीए है यस यस लेकिन फिर भी वो बिजनेस को सेव करने के लिए उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बैंक वालों का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारा तो बिजनेस मार्क खा जाएगा हमारी बैंकें बंद हो जाएगी आप इसको एनपीए मत दिखाओ जी मेरे पास ऐसे बहुत सारे उनके जो ऊपर लेवल के जो ऑफिसर मेरे पास आके बैठे पर्सनली उन्होंने रिक्वेस्ट करी मेरे से सर इतने ज्यादा एनपीए मत दिखाओ जब एनपीए है तो ऑडिटर तो एनपीए दिखाएगा फिर भी वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा मत करो आप क्योंकि ये हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा बैंक ही नहीं बचेगी तो फिर ऑडिट क्या करोगे आप लोग एग्जैक्टली exactly. ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होने की वजह से ऑडिटर जो है एक धर्म संकट में आ जाता है कि अब इसको सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए नहीं धर्म संकट सर हमने ये ऐसा धर्म संकट है जिसको हमने अपने आप पैदा किया एज ए ब्रांच ऑडिटर क्योंकि हमने सर्टिफिकेट भी दिया है सर कि ब्रांच हैज फॉलोड द आरबीआई नॉर्म्स सो वी हैव पुट इन है

जो भी चीज कह रहे हैं हैं उसके अगर एविडेंसेस और कोई बड़ा इन देंस तो कि kind of बड़ा, बड़ा क्या होता है बड़ा तो ठीक है लेकिन छोटे छोटे अगर सौ अकाउंट ऐसे हो जो एनपीए है और उसके ऊपर क्या बोलोगे आप बोलो उसमें तो पूरा सिस्टम ही खत्म है आपका अगर आपको सौ अकाउंट दीपक जी मिल जाते हैं इसका मतलब फिर सिस्टम डिविन क्या है आपका और तीसरा उन्होंने कहा इंटीग्रिटी और जो आपने बात की बिल्कुल ठीक बात की सीबीएस इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट बट दे आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन इन सीबीएस और उसके बाद उन्होंने हर बैंक ने अलग अलग अपने मिडिल रखे हुए हैं जिसको मैं मिडिल ना कह के थोड़ा सा अगर लॉजिकली बात करूं तो वो का, का काम करते हैं तो ये ये तो है, है, तो उसको मैसेज कैसे मिले स्टैचुरी ऑडिटर कह रहा है ये सब कुछ ठीक है एस बी ए की सारी ओपिनियन क्लीन जा रही है ब्रांचेज की सर कैन आई से समथिंग श्योर सैनी साहब हाँ जी हाँ जी गोपाल जी This has yes. been our experience for the last yes. almost 25-30 years. Sir. Uh, I, don't, I don't remember even a single year yes. where we have not spoken to central statutory auditor during that audit period yes, four, sir. five days. Yes, sir. And I tell you, uh, on many occasions, yes, we have found that the team which we have, which, which is working for yes. central, central auditor's side, yes.

पिछला ऑडिटर ने तो सिर्फ एक दिन में काम कर दिया था सर mm -hmm. आप तो बहुत टाइम लगा रहे हो mm -hmm. तो <laughs> अब आई डोंट नो हाउ ट्रू एंड फॉल्स इट इज आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट यस यस नंबर नंबर थ्री आई आई रिमेम्बर फर्स्ट ऑडिट आई डेट ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया राजपुरा ब्रांच इन एटी सेवन एटी एट सर हमारे कुछ फीडबैक uh, में जो हमें ब्रांच हमें ऑफिस से मिला उसमें कुछ थोड़ी सी कमी रह गई थी यस सो वेन वी स्टार्टेड द ऑडिट मी एंड टू थ्री अदर पीपल सर वी वॉन्ट टू सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स अब वो ऑल निकल गया मुझे hmm. hmm. कहा मतलब साल के या पहले के हमने कहा भाई थोड़े से हम सस्पेंस में हमने क्या क्या बोल दिया <laughs> हमने कहा सारे लिया hmm. वो कहता है ऐसे तो कभी हुआ नहीं मेरी लाइफ में अब ब्रांच hmm. सेक्रेटरी को भी बुला लिया उन्होंने वेरी पावरफुल पर्सन इन द ब्रांच यूनियन का आदमी होता है उसने कहा ऐसा तो कभी होता ही नहीं सर आप पास डॉक्यूमेंट कितने साल पीछे देखोगे तो अब निकल गया था मुंह से तो निकल गया हमने कहा सारे डॉक्यूमेंट देखने हैं पार्टनर को बाद में फोन किया हमने अब वो पच्चीस दिन उस ऑडिट में लग गए सर हमें हमें भी बहुत टाइम मिला हुआ था ऑडिट काम करने उस जमाने में पूछते भी नहीं थे शायद पंद्रह बीस दिन हम ऑडिट करते रहे आप इमेजिन करेंगे कि दैट बिकम दैट बिकेम ए हिस्ट्री एंड बी एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो फिर लिस्ट चली गई बाद में हमारे पार्टनर ने बोला यार तो करना था हमने कहा निकल गया था <laughs> करने थे फिर तो।, तो ऐसे ऐसे सर कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन में हमारे अपने जो इन हाउस जो प्रिपरेशन है सर वहां बहुत कमी है yes, let, let me, let yes, yes, yes. उसी मैंने कहा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था वो निकल गया मैं तो ये कहता हूँ सैनी साहब और मुझे तो ये लगता है कि जैसे अब अब अकेला खेल रहा है कितनी देर तक सरवाइव करेगा बट फिर भी मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान भी कहते हैं कि लास्ट मोमेंट तक प्रयास जरूर करना चाहिए और मैं राजेश भाई बिलीव में फॉर द गॉड सेक ये स्लाइड मैं पांच साल से दिखा रहा हूँ सबको जहां तक मेरी अप्रोच है कि भैया इन तीन, तीन चीजों को चैलेंज करके आओ जिसको आरबीआई ने ग्राउंड लिया कि इन तीन चीजों की वजह से बैंक ब्रांच ऑडिट्स में बैंक डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने फर्दर और कहा है क्या कहा था उसी समय अठारह में प्रोग्रेसिवलीवल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं सैनी साहब बता रहा हूं मैंने उस दिन कह दिया था ये फेज डाउन नहीं है ये ये आरबीआई का मैंने से उठाया हुआ ये down नहीं है ये ये था उस समय भी भी लेकिन कहीं न कहीं हमने हमने इन तीनों चीजों को totally ignore किया है, रिपोर्ट के अंदर अभी नहीं किसी में डाला कि ये मैनुअल इंटरवेंशन है इंटीग्रिटी ऑफ एम पे बात नहीं की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रोबस्टनेस ऑफ सीबीएस की बात नहीं की तो आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि ये असाइनमेंट कितने दिन और सरवाइव करेगा एक साल दो साल तीन साल क्योंकि अब उनका सबसे बड़ा ग्राउंड यही है अगर वो ग्राउंड अपनी लेते हैं कि सेक्टर बैंक, 87 बैंक सेक्टर बैंक में है राजेश भाई तो इतना इतनी लंबी हमें टीम की जरूरत कहाँ है बट अगर उनकी वर्किंग देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक की वर्किंग देखें सर और पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग में बहुत फर्क है सर जमीन आसमान का फर्क है पब्लिक सेक्टर बैंक बेसिकली सोशल बैंकिंग और जिस तरह private sector banks के प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स हैं नो डाउट दे दे आर मोर रोबस्ट मैनुअल इंटरवेंस आर वेरी वेरी एक्सेप्शनल और इंटीग्रिटी ऑफ एम आई एस इज देयर बट पब्लिक सेक्टर बैंक में आई डू नॉट एक्नोलेज की ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से चीजें हैं तो एक ये इंट्रोस्पेक्शन की सर बात हो गई मैं तो यही कहता हूं और एक आपके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट सितंबर दो हजार बीस का ऑल आरबीआई आर लिस्टेड ऑन द पोर्टल ऑफ आरबीआई वेरी इजीली बाई वे ऑफ इंडेक्स वी कैन सर्च इट आउट बहुत उन्होंने इंडेक्स के साथ डाला हुआ वाइज कोई भी आप सर्कुलर चाहिए आपको इमीडिएटली बाई क्लिक ऑफ द माउस यू कैन गेट इट फॉर

सनी साहब बिल्कुल क्लियर लिखा है बैंकों को 30 जून 2021 की डेडलाइन थी कि 30 जून 2021 के बाद कोई मैनुअल इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी उसमें लिखा स्ट्रिक्ट एक्शन बिल बी टेकन केस ऑफ राजेश भाई इन केस ऑफ एनुअल एनी मैनुअल इंटरवेंशन टेकन अगेंस्ट दी बैंक क्लियर लिखा अगेंस्ट दी बैंक मैनुअल इंटरवेंशन कैन ओनली बी परमिटेड इन एक्सेप्सिटी ऑफ दिप्टर ट्वेंटी का मैं आपको सर्कुलर बना चौदह सितंबर चौदह नौ दो हजार बीस नोट कर लें सप्टेंबर ट्वेंटी सप्टेंबर फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी चौदह नौ दो हजार बीस का सर्कुलर यह हमारे लिए सर्कुलर बहुत बड़ा गाइडेंस है कि अगर हमें इस तरह की चीज मिलती है वी शुड हाईलाइट ऑल दीज थिंग्स अब हाईलाइट में क्या होता है सैनी साहब कहते हैं एल में लिख दो कोई भी चीज मिलती है राजेश भाई सबको मालूम है जो ऑडिटर शीट इट इज ए इंटरनल रिपोर्ट इट इज फाइनलाइजेशन ऑफ द बैलेंस शीट आप तीस ऑल लिस्टेड सबकी तीस मई तक बैलेंस शीट पब्लिश होनी होती है तो आपको ये सब चीजें कहा हाईलाइट करनी है अपनी मैन ऑडिट रिपोर्ट में करनी है सब वी आर जो परफॉर्मिंग ऑडिटर में कहता हूं यहां भी दो तरह की हमारी ऐसे है परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग ऑडिटर्स नॉन परफॉर्मिंग ऑडिटर्स जो परफॉर्मिंग ऑडिटर्स की मैं बात कर रहा हूं जो बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारी चीजें एल एफ में लिखते हैं लेकिन जब ऑडिट ओपिनियन देते हैं ना सर अपनी पावा जी तो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर तो अगर देर आर नंबर ऑफ रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशमर एडवर्स रिमार्क्स क्वालिफिकेशन इन एल एफ एर सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी कॉल्ड ट्रू एंड फेयर And very, very unfortunately, in the guidance note of ICI also, the only standard format of clean opinion is given as a branch auditor. So what we for we as a professional foresee ki in case of banks, we cannot modify the audit opinion. And that is the that is the biggest reason of losing this assignment. We hardly dared to modify our audit opinion in case of ba bank branches. और जो कुछ एक्सेप्शनल ऑडिटर्स ने किए तो दे हैव द म्यूजिक ऑफ इट क्योंकि एक्सेप्शनल लोगों ने की। जैसे सैनी साहब ने एक बात अपना केस डिस्कस किया इन्होंने एक्सेप्शनल कोई काम कर दिया तो अगर कोई आप एक्सेप्शनल काम करेंगे देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ इट बट अगर एक कम्युनिटी पूरा काम कर रही है देन द बर्डन शिफ्ट तो ये जब सर्कुलर आया इस मैं आपको फिर बता दूं इसीलिए असाइनमेंट गया हम किसी को भी दोष नहीं देते मैं तो कहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं हम लोग हम लोगों का इंक्लूडिंग मी माइ द कंट्रीब्यूशन इनका कंट्रीब्यूशन अगर ये ठीक से ऑडिट हो रहे होते बिलीव मी मैं तो राजेश भाई वही कहता हूं ना सर कि हम सब हनुमान है सब हनुमान है जितने परफॉर्मिंग ऑडिटर्स हैं लेकिन केवल उनको देखना है एक बार आप जस्ट यू सी द बैलेंस शीट आप एक बार रीड तो करो बैंक की ब्रांच की बैलेंस शीट एक बार पी एल आप देखो बिलीव में आप अगर सीरियसली आधा घंटे एक घंटे लगा के बैलेंस पी तो एल देख लेंगे द एमओसी करंट ईयर की फिगर प्रीवियस ईयर की फिगर से एक बार कंपेयर करेंगे यू विल गेट एमओसी आउट ऑफ इट दिस इज माई ओन बिलीफ वी ऑल आर अकाउंटेंट्स हम देखते हैं कोई ईयर एंड पे कोई भी आता है आपका क्लाइंट कभी ऐसा होता कि उसमें रेक्टिफिकेशन ट्रांजेक्शन कोई एंट्री ना पड़े बुक्स आप एज इट इज एक्सेप्ट कर ले इट नेवर लेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ बट इन केस ऑफ इट इट गेट्स हैपनिंग तो जब एक भी नहीं है इसका मतलब क्या है जबकि मैं कह रहा हूं अगर आपने बैलेंस सीट ही देख ली केवल और जो उनकी क्लोजिंग रिटर्न के साथ कंपेयर कर ली यू विल गेट द एमओसी आउट ऑफ इट बाई मियरली विस्टिंग क्लोजिंग रिटर्न तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर attending this program or will here after even uh, through YouTube. Okay, please read each and every terms which you are signing. Or balance sheet or profit and loss. So, खास तौर से आप scrutiny नहीं कर लें on the face of it and compare it the it with the previous year figure. So that you can compare कि कोई एकदम से extraordinary figure आ रही है तो you will get दर कि ये किस तरह से आई कैसे आई और then you will find कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई mistakes हुई है इसके बाद कुछ हम लोगों की सर कंप्लेंट भी रहती है बैंक ब्रांच ऑडिट में पहले भी रहती थी अभी भी रहेंगी एक तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है तो जैसे अभी सैनी साहब से से बात हुई, से बात हुई हुई सभी लोगों वी आर टोटली इंडिपेंडेंट वंस वी आर इन नो बडी कैन टच अस फॉर फोर अनलेस एनी एथिकल इशू कम्स इन बिटवीन हाँ आपकी ब्रांच रिमोट हो सकती है छोटी हो सकती है बट नो बडी कैन टच बिफोर फोर ईयर्स तो इंडिपेंडेंस का इशू आप मान के चलिए कि इशू नहीं है आपका दिस इज ऑनली योर बिलीफ फीस की कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं मैं फीस की भी कंप्लेंट नहीं करता क्योंकि और क्लाइंटों के अगर हम कंपेरिजन में देखें तो टाइम वर्सेस फीस इज दी एफर्ट्स. कुछ लोग टाइम की बात राजेश भाई बहुत करते हैं कि टाइम बहुत कम मिलता है अगर आप देखें जिस तरह की आपकी फर्म की कैटेगरी है उसके हिसाब से आज आज तो काम बहुत कम हो गया सर आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी जिस तरह की ब्रांचेज आपको अलॉट हो रही है यू हैव सफिशियंट टाइम हाँ एक जब बात जरूर है कि आपको ऑडिट थ्रू कंप्यूटर करना है यू कैन नॉट कंडक्ट ऑडिट अराउंड दराउंड कंप्यूटर यू हैव टू गो थ्रू कंप्यूटर और उसके लिए आपको कुछ सी बी एस की कमांड वहां पर किस तरह का सी बी एस एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा नहीं चाहिए केवल आपको बेसिकली सारी चीजों की इंक्वायरियों के कमांड्स और वो सब वो लोग बता भी देते हैं अगर फर्स्ट ईयर आपका है तो आप यू कैन आस्क अदरवाइज आपका कोई भी जो टेक्निकल बंदा है इज टेक्निकल नाउ वी ऑल आर इन द कंप्यूटराइज एनवाइ एट ऑफिस चाहे जीएसटी की बात करें इनकम टैक्स की बात करें आर एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज तो किसी भी नए नए बंदे के लिए भी जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसे एक दो घंटे से ज्यादा वेल वेलवर्स होने में नहीं लगता सिस्टम के साथ हाँ नो डाउट इट इज नॉट ए पिकनिक असाइनमेंट टाइम तो लगाना पड़ेगा दस बारह घंटे की वर्किंग करनी पड़ेगी सर मैनेजमेंट के अगर इसको ढंग से अच्छे से मैनेज करना और डिलीवरी देके आना है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब लास्ट विकेट खेल रही है सर दे दो डिलीवरी अब तो दे दो कम से कम शायद रिवाइव हो जाए एंड एक और चीज राजेश भाई जो मैं नो, नोटिस करता हूँ लोगों के कॉल्स आते हैं आप सब लोगों से बात होती है कि कई बार लोग बड़े एरोगेंट हो जाते हैं ब्रांच में जाके एग्रेसिव हो जाते हैं तो मैं तो कहता हूँ

नहीं ये, sir, क्योंकि आपको बेंच मार्क रखना पड़ेगा ना कि मुझे कितना पोलाइट हो कितना सबमिस होना है बिलीव मे इफ यू वॉन्ट टू वर्क एट द ब्रांच यू हैव टू बी क्योंकि Thank आप आप जरा भी आप हुए तो यू विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन इट विल किल योर टाइम राइट एंड इशू इज इट इज वेरी इजी टू एक्सपेंड योर स्कोप इन द बैंक ब्रांच ऑडिट यू कैन फ्लाई एज यू मच लेकिन आप जितना ऊपर उड़ जाएंगे ना सर योर फ्लाइट विल क्रैश कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप कोई भी काम करना है यू विल नॉट गेट द सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू सी इट टू फाइनलाइज इट देन एंड देयर सैनी साहब जो आपने डॉक्यूमेंट देखा आप, आपने है कि ये हमारा कहां पर रिपोर्ट होगा आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं अभी इस फाइल को रख देते हैं दोबारा देख लेंगे नो बिग नो यू आर गेटिंग द लिमिटेड टाइम सो यू हैव टू फाइनलाइज इट ईच एंड एवरीथिंग दैट एंड देयर तो ये एक जरूर करना है एंड यू शुड एन लार्ज य स्कोप टू द एक्सटेंट यू कैन कवर इट अप क्योंकि अगर आपने बहुत सारी चीजें देख ली पाबाजी और अगर आप रिपोर्ट में नहीं लिख पाए तो इट्स यूजलेस इट इज टाइम किलिंग जॉब योर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन क्विड बी पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज रिकॉर्डिंग एक और एक्सपीरियंस राजेश भाई आपके साथ शेयर करता हूं कि कई लोग बीच में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं फाइंडिंग्स कुछ फाइंडिंग मिली कोई बड़ा चीज मिल गई तो दे टू टू स्टार्ट डिस्कस और वो उससे क्या होता है कि इट बेसिकली योर एफर्ट्स वहां से ऑफिस से आर, से आने शुरू हो जाएंगे अगर कोई जेनुअन चीज आपको मिल गई जैसे सर ने कहा पचास फाइल नहीं मिली यू कैन नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये यू कीप ऑन राइट नोटिंग और नोटिंग करके आप लास्ट में डिस्कस करिए सब डोंट डिस्कस इन बिटवीन ये मेरी अपनी ओन प्रैक्टिस है कि अगर आपने बीच में डिस्कस किया तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट इन अ मैनर यू आर लुकिंग फॉर एनअर पॉइंट इज फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सी हमारी ऑब्जर्वेशन किस रिपोर्ट में कहा लिखी जाएगी तो उसके लिए मेरी आपसे हैंडफोल्डेड रिक्वेस्ट है एल एफ ए आर दो हजार इक्कीस हुआ था काइंडली रीड बिफोर बिस्टिंग सर उसके अंदर राजेश भाई ऐसी, -ऐसी clauses आ गई है वो क्या कहता है कि जो आपके लार्ज एडवांस है ना सर ब्रांच के एस बी एक्सपेक्टेड टू डू दूस अकाउंट सनी साहब बताइए नहीं होना की फीस नहीं मिलती नॉन फंड तो वो जोड़ना नहीं है जोड़ना है आप टोटल फंड बेस्ड नॉन फंड टोटल करेंगे उसका टेन परसेंट निकालेंगे और उसके बाद और रुपीज टेन करोड़ Which is lower. उन जित जो भी अकाउंट निकल के आएंगे उनका ट्रांजेक्शन ऑडिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब यू विल गो थ्रू दस नेचर की ट्रांजेक्शन उसमें ऐसा तो नहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग काइंड ऑफ थिंग्स यू आर लुकिंग जो उसका बिजनेस है उससे बिल्कुल अगेंस्ट में ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड हो रही हूं तो ट्रांजेक्शन ऑडिट आर टू बी डन फॉर लार्ज एडवांसेस कौन कौन से आपने अकाउंट चेक किए तो मेरी एक फिर अम्बल से जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑडिटेड आप केवल उसी अकाउंट को उसमें दीपक भाई एम आई राइट उसी अकाउंट yes, को आप मैं जिसके ऑडिट एविडेंसेस आपने लिए हो ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट उठा से बीस अकाउंट लिख दिए और उसमें से पता लगा चार अकाउंट्स के 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 अंदर 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 कुछ या दो के अंदर, या सिंगल अकाउंट ऑडिट कर दिया है उसका तो ऑडिट एविडेंसेस उनके सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट ऑडिटिंग मस्ट इन योर फाइल विच यू आर राइटिंग राइट सर सो कई बार लोग परसेंटेज इनक्रीज करने के लिए कह रहे हैं तो तो हमारा हमारा एडवांस एडवांस हुआ। डोंट अबाउट दैट। बस आपको आपको ये देखना कि लार्ज तो no कुछ अकाउंट्स आप लेकिन जो भी अकाउंट से आप चेक, चेक करें काइंडली कीप द डॉक्यूमेंटेशन इन योर फाइल और उसको थॉरली करें एक कई बार एमओसी जब सरफेस होती है तो उसकी कई सिचुएशंस बनती हैं एमओसी के लिए नॉर्मली ब्रांच इन लोगों को पता नहीं कौन सा एक टॉनिक दिया जाता कि एमओसी नहीं बननी चाहिए ब्रांच में एमओसी फ्री ब्रांच आनी चाहिए आई फेल टू अंडरस्टैंड भाई दे आर मेकिंग सो मच बेसिकली ह्यूमर फॉर इट अरे एमओसी इज नथिंग बट द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स आई थिंक दे पर्सनली फील दैट दिस इज द इशू ऑफ देयर परफॉर्मेंस यस बट इट्स शुड इवन इवन कंट्रोलर्स आर आल्सो लुकिंग लाइक इट कंट्रोलर्स को भी लगता हमारी ब्रांच में एमओसी नहीं आनी चाहिए सर अरे एमओसी बट रेक्टिफिकेशन बॉचर्स और कई बार तो दीपक जी यहां तक मैंने देखा एमओसी तो आप बनाओगे मतलब दे आर नॉट अवेयर कि एमओसी है क्या भैया ऑडिटर बनाएगा बैठ के वी आर फिर आप कल कहोगे आप किताबें लिखोगे ब्रांच की

तो एक ये भी मैसेज आपको क्लियर है और एमओसी जब आप देखते हैं तो एमओसी को आपको बीच में डिस्कस नहीं करना आगे आप सारी चीजें अपनी बनाती जाए लास्ट में जब आपको ब्रांच पूरी कंक्लूड हो जाए अगर आप दो ब्रांच है अगर सेम लोकेशन पे है तो कोशिश हम दीपक जी यही करते हैं दोनों ब्रांचेज एक सम, जब समप हो जाए उसके बाद अपनी जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है यू मस्ट कम्युनिकेट इन राइटिंग और राइटिंग में कोई चिट्ठी तो जानी नहीं मेल से करना है आपको कि ये मेरी फाइंडिंग्स है एंड वी वॉन्ट द रिब बैक सो so दैट कि कल ये ना हो कि उन्होंने कहा आप, आपने तो हमें बताया ही नहीं आपने तो एमओसी एमओसी में लिख दिया या अपनी रिपोर्ट्स में लिख दिया ईच एंड एवरी फाइंडिंग मस्ट बी बिफोर इशूइंग द फाइनल रिपोर्ट और टाइम इतना कम होता उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे ही आप अपना रिपोर्ट बनाएंगे आप ड्राफ्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट के साथ ब्रांच हेड के साथ ब्रांच इनकमेंट के साथ शेयर करेंगे उसको टाइम बताएंगे कि अनलेस वी हियर फ्रॉम यू बाय द एंड ऑफ दिस डेट वी विल इशू द फाइनल रिपोर्ट राइट तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है कि एमओसी अगर आपकी बनती है तो तीन सिचुएशन बन सकती हैं। एक सिचुएशन है कि एमओसी पास हो जाती है कंसेंट ऑफ द ब्रांच मैनेजमेंट राइट दीपक जी एक है यह ब्रांच मैनेजमेंट डज नॉट एग्री विथ योर व्यू हो सकता है डिफरेंट व्यू हो सकता है उसका तो आप उससे डिसेंट करके भी साइन करा सकते हैं ये गाइडेंस नोट में भी हमारे दिया हुआ है लेना ना अब तो ऑटोमेटिक एक्नोलॉज तो oh. हो जाती है अगर वो साइन उनको यही है कि हम साइन क्यों करें तो भैया आप लिख दो वी आर नॉट एग्रिंग विद और तीसरी सिचुएशन ये वो लिखते भी नहीं है तो यह भी नहीं लिख सकते हम इससे डिसेंड करते हैं क्योंकि कंट्रोलर का डल है

जैन साहब ने बहुत बढ़िया जैन साहब ऑन रखिए अनम्यूट रखिए जैन साहब ने बिल्कुल राजेश जी ने बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन रेज किया है राजेश जी आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम लाइव उस केस में क्या करना होता है बिल्कुल आपने क्वेश्चन कहा है कि इसकी फिजिकल कॉपी सेंट्रल ऑडिटर को और कंट्रोलर को मेल से भेज देते हैं कि दिस... आज का सारा का सारा काम ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन हो रहा है उसका फिजिकल निकालना भी मुश्किल है क्योंकि आपके पास फैसिलिटी जो है वो ब्रांच के कंट्रोल में आपके कंट्रोल में नहीं है आप अपने लैपटॉप आ सकते हैं सुनिए सर मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल अनम्यूट हो गया सर जैन साहब अनम्यूट हो गया आपका तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम क्या है कि आपको आप है ना सिस्टम जो कंट्रोल में है वो ब्रांच की सिस्टम के कंट्रोल में है ब्रांच के कंट्रोल में जब आप ऑडिट करते हैं आप अपना लैपटॉप यूज नहीं कर सकते आपके पास टाइम के शेड्यूल की कमी होती है आप सुबह ग्यारह बजे दस बजे जाके बैठते हैं रात को दस बजे तक वहां ब्रांच में ऑडिट करते हैं फिर तो बाद में आपको आप वापस आकर के आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए रेस्ट करने के लिए बिल्कुल आप भिल्कुल। चाहें कि हम है ना लैपटॉप खोल के रात को दो बजे तक जो है बैठ करके काम करें और है ना ड्राफ्ट रिपोर्ट बना के ब्रांच में दे ब्रांच तैयारी नहीं होती ब्रांच तो एंगेजमेंट लेटर को कैनोल नहीं करती है ब्रांच लेट, मैनेजमेंट लेटर को रिप्रेजेंटेशन को देने को तैयार नहीं होता बिल्कुल बिल्कुल दो दिन में जाते हैं वो ऑडिट खत्म हो तो हमको हम लोग अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन हम आपको अपने आप को डिफेंड भी करना चाहिए कि वन सिंगल ठीक है इंस्टूड ने लिख दिया वेरी गुड लेकिन क्वेश्चन ये होता है इंस्टीट्यूट के लिखने के बाद भी क्या हम इस पोजिशन में है कि हम सिंगल सिग्नेचर से अपने हम उसको सबमिट कर सके बैंक के पोर्टल से वो तो क्लोज ही नहीं होगी कभी भी वो तो ओपन रहेगी ऑडिट तो अब आप इसका वे आउट बताए जाए सर मैं वही आपसे हम तो आपसे समझना चाह आप रहे हैं अरे नहीं नहीं देखो रात को चार बजे तक बैठ करके मैंने जो है ना उसको डिफेंड किया है रात को सुबह चार बजे तक बैठ करके तब भी नहीं हुआ नहीं मैं आपका फीडबैक चाहता तो तो हूँ जी सर इसको कैसे क्लोज करेंगे फिर तो सर मैं वही तो आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ आपने कहा जी सिंगल सिग्नेचर से क्लोज कर दो क्लोज ब्रांच तैयार नहीं होता है ऑनलाइन हमने सबमिट करना है डिजिटल सिग्नेचर लगाना है यूडीएन जनरेट करना है और मुझे बताइए उस उसकी सिचुएशन में हमको उसका एक वे आउट जो है वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे हमको उसका रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कुछ हमको कंट्रोल भी तो दिए जाए हमको पावर तो कुछ मिलती नहीं है हम ब्रांच के कंट्रोल में रहते हैं सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं आपने यूडिन जनरेट करना है फिर कैसे क्लोज करेंगे ब्रांच मैनेजर तैयार नहीं होता मैम उसी एक्सेप्ट करने के लिए उसका तरीका फिर यही हो सकता है या तो हम मैं एल एफ में दें या फिर हम लोग जो है उसको किसी और तरीके से दे वो आपने सजेस्ट करना है कैसे दे हम लोग उसे आ, नहीं नहीं मैं तो आपका भी फीडबैक सर वैल्यू एडिशन चाह रहा था इसमें कि अगर आप ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम सर ब्रांच में ब्रांच ऑडिट चाहते हैं वो दो दिन में तीन दिन में खत्म हो जाए सुबह दस बजे जाके बैठते हैं ब्रांच तैयार नहीं होती है क्लोजिंग डॉक्यूमेंट क्लोजिंग इनके भी उनके पास होती नहीं है जब हम ऑडिट करने के लिए बैठते हैं क्लोजिंग की भी हम ही करते हैं उसकी कभी कभी तो तो सवाल ही उठता है कि अंडर दीज हम लोग जो जिस कांस्टेंट में काम करते हैं हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि हम काम नहीं करते हैं ऐसा नहीं है क्वेश्चन तो अराइज ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि ब्रांच वाले कैसे हम लोगों की पोजिशन को मैनुपलेट करते हैं एंड दे मेक अस of of out of this उट ऑफ दिस ऑडिटर्स नॉट वर्किंग बिल्कुल बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं जैन साहब कुछ जो जैन साहब मैं ऐसा करता हूँ जिस दिन मैं ब्रांच विजिट करता हूँ फर्स्ट डे उससे कहता हूँ जितनी भी क्लोजिंग आपकी रिटर्न चैजर फाइंड इट रेडीडी

वो रिवर्स हो जाता है सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना। और दु... बड़ा अच्छा लग रहा है हम ही नहीं करेंगे ऑडिट रिपोर्ट एडवर्स दे चुका हूँ बैंकों में एंड इट इज नेवर एक्सेप्टेड बाय द ब्रांच मैनेजमेंट कि साहब ये रिपोर्ट तो मैं नहीं लूंगा तो मैं क्या करता हूं जो वहां पर एक विंडो खुलती है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो अपनी मैन ऑडिटर रिपोर्ट में तो इस विंडो में लिख सकते हो आप खुलती है ना सर एक विंडो आपकी क्वालिफिकेशन के लिए वो वो में ले सकते हैं. तो उस ऑडिट रिपोर्ट में मैं लिखता हूं सबसे पहले तो लिखता हूं कि अगर फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट सुपरसीड दिस सॉफ्ट रिपोर्ट पहला क्रॉच बिल्कुल नहीं है मैं डिजिटल लगा रहा हूं दिस इज नॉट द फाइनल रिपोर्ट नंबर बन। और उसके बाद इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी उसमें डाल देते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि सर ये, ये रिपोर्ट तो सबमिट ऑनलाइन हो गई जी जी जो हमारी रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पा रही उसकी कॉपी कंट्रोलर्स को और सेंट्रल ऑडिटर्स को तो सर वो फिजिकल भेजनी फिर ना ना स्कैन करके सर मेल पे

अबर अबर फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ब्रैकेट में हार्ड कॉपी सुपरसीड्स दिस सॉफ्ट रिपोर्ट बिकॉज इट इज नॉट अलाइंग द मोडिफिकेशन इन ऑडिट ओपिनियन क्लियर लिखता हूं बिकॉज इट इज नॉट द मोडिफिकेशन इन ऑडिट ओपिनियन सेकेंड जैसे लिखा कि ब्रांच मैनेजमेंट इज नॉट इन एग्रीमेंट ऑडिटर्स so we are submitting it to the central auditors फिजिकल आदि, auditor वाली वो ऑफकोर्स आपके लेटर एड पे जाएगी और जो एमओसी वगैरह जाएगी वो भी आप, उसमें लेटर एड जो नहीं उस समय स्टैम्प लग के आप सीधा सीधा भेजोगे और लिखोगे की ये ब्रांच मैनेजमेंट ने अग्री नहीं किया

जब आपने इतना बड़ा काम हमने कर दिया ब्रांच में बैठ के सर तो सर हम उनके उनसे डिसएग्री भी हो रहे हैं हमने इस तरह की स्टेटमेंट भी लिख दी तो सर क्या ये क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं होगी मेरी तरफ से अगर मैं रिपोर्ट ही क्वालिफाई कर रहा हूँ एज एन ऑडिटर एज ए अकाउंटेंट यस तो फिर ये सब चीजों का क्या फिर तो क्वालिफाइड रिपोर्ट मैं दे देता हूँ क्वालिफाइड रिपोर्ट जो हुए तो हुए ना क्वालिफाइड रिपोर्ट दें। क्वालिफाइड आपको ये देखना है अपने ये क्वालिफाइड बनेगी या ये एडवर्स बन जाएगी हाँ ये भी हो सकता एडवर्स भी बनती है सर एग्रीकल्चर एडवांस में तो राजेश जी जैन साहब आपका अटेंशन चाहूंगा एग्रीकल्चर ब्रांच में एडवर्स के अलावा कोई बन ही नहीं सकती सर तो सर तो अगर हम सर हम एमओसी वो नहीं मान रहा मान लीजिए वो नहीं मानता साइन नहीं करता हमने पूरी कोशिश कर ली तो एडवांस रिपोर्ट देना क्वालिफाइड रिपोर्ट देना वो तो हमारे हाथ में है बिल्कुल है। लेकिन वहां पर आपकी ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होती है सॉफ्ट में सॉफ्ट में नहीं, नहीं, नहीं होती है, है। सॉफ्ट में कभी भी नहीं होगी सर नहीं होगी वो क्लीन वो क्लीन ओपिनियन पड़ी होगी बिल्कुल बिल्कुल और अगर आपने क्लीन पे जाओ डिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो ऑडिट क्लोज नहीं होगा सर मैं आपको बताता हूं आप जो ऑडिट रिपोर्ट में देने की बात कर रहे हैं ना बहुत सारे केसेस में मैंने देखा वो ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करना भी अलाउ नहीं करता देट्स वाई एम इन्होंने जब आर्ब... आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है वो आप एल में लिख देते ऑडिट नहीं एल एफ आर में नहीं सर जैन साहब ये इंस्टीट्यूट ने एस्केलेट किया था मैटर आरबीआई के साथ एंड नाउ ईच एंड एवरी बैंक हैज कैप्टे विंडो फॉर इट

Yes, me me हद इतनी करनी पड़ी कि वो लेफ्ट में अल्टीमेटली लिखना पड़ा की एडवांस ऑफ द ब्रांच्यूसमी प्रोड्यूस बिफोर टेली विदलेंस शीट ऑफ द ब्रांच नहीं इसमें जैन साहब मैं थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहूंगा आपके साथ

और वो एक physical... बार आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसमें कुछ आपने क्वालिफिकेशन नहीं डाल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंट्रोल इज विद आफ्टर विच यू आर गिविंग द फिजिकल रिपोर्ट देन इज देंटिटी ऑफ द रिपोर्ट वंस यू सबमिट द रिपोर्ट ऑनलाइन विदाउट विदाउटनिंग योर पॉइंट इन द मेन रिपोर्ट बिकॉज द कंट्रोल इज विद दोल नहीं देखो विंडो तो सर जैन साहब हर हर बैंक में है मेंंड्रेड या टू हंड्रेड वर्ड्स की विंडो तो एवरी बैंक इज गिविंग

Sir. और वर्ड्स की क्या नाम जो है जहाँ लिमिटेशंस हो एक इंस्टीट्यूट जो है ना अपनी तरफ से एक सजेशन दे कुछ है ना बताए कि भाई ये आपके मिनिमम वर्ड्स 200 में आप सारी बात कह सकते हैं इसमें बिल्कुल दैट योर फिजिकल रिपोर्ट इज सबमिटेड सेपरेटली टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज यस यस इतना ही अगर आप लिख दें तो भी आपका काम हो जाएगा वी आर सबमिटिंग अवर फिजिकल रिपोर्ट इन इन रिपोर्ट नाउटेड टू दोलिंग देना चाहिए फॉर्मेट हाँ, हो तो होता है कि की तो सारी उसके अंदर आती है नंबर ऑफ एमओसी भी आता है रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे और वो जब हम वहां ऑनलाइन भरते हैं तो वहां भी वो एमओसी वाला ऑप्शन तो वो खोलता है लेकिन उसके अलावा और कोई चीज आप लिखना चाहते हो तो वो नहीं अब एमओसी जैसे, जैसे के लिए डालना है तो वो फिगर भी नहीं देने देगा आपको यस तो फिजिकल फिर वही है कि सर फिजिकल रिपोर्ट इज ऑफ नाउ

कि आपने एक जगह पॉइंट डाला और वो समराइजेशन हो करके या इंटीग्रेट हो करके तीनों रिपोर्ट में चला जाए ताकि हमारा जो टाइम शेड्यूल है वो टाइम शेड्यूल में हम काम कर सकें हाँ मतलब आपका पॉइंट ये है कि एलएफएआर शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द मेन ऑडिट रिपोर्ट आल्सो मेन ऑडिट रिपोर्ट एमओसी सारी एक साथ तैयार होती चली जाए यस 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 तो <coughs> हालांकि ये बात जरूर है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट दे रहे हैं जैन तो इसका इसका मैं रीजन बताऊं एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा कि हम ये इसकी क्यों नहीं कर सकते इंटरनेशनली क्योंकि हमारी क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट है ना सर इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट इसमें इंडिपेंडेंट वर्ड किस लिए रखा गया दो वजह से एक तो ये है कि ये जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है दे आर नॉट द इंटरनल ऑडिटर सेकेंड उसका सिग्निफिकेंस ये इंडिपेंडेंस वर्ड का कि ये रिपोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर रिपोर्ट्स So आपको आप जो कुछ कहना है अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट को कॉम्पैक्ट बनाना पूरा कम्प्लीट रिपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि दिस इज मेट फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स एल एफ एर इज नॉट में एक्सटर्नल यूजर्स मेरा एक डाटा

कहा एक विंडो खुलती है उस विंडो में ये लिखा जा सकता है कि काइंड प्लीज रीड दिस रिपोर्ट इन कंजक्शन विद पॉइंट नंबर सो एंड सो ऑफ़ द रिपोर्ट ये लिख सकते हैं लिख सकते हैं कोई आ? आपको मना नहीं है?

और आपके LFAR के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होनी चाहिए थी सर वो बिल्कुल बिल्कुल यू 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 आर 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 वेरी राइट क्या लग रहा है इस बार कितनी ब्रांचेज आएंगी जैन साहब से पूछ लेते हैं जैन साहब काफी एक्टिव लग रहे हैं नहीं सर मैं इस बारे में नहीं कह सकता <laughs> मेरा view... आप लोगों सब के सबके साथ आफ्टर पार्ट ऑफ यू जो 14 सितंबर का सर्कुलर इन्होंने 2020 हजार बीस में दिया रीजन ये है कि मैं बताता हूं आपको जब ये शुरू हुआ था आज से 10-15 साल पहले जब ये दो दो तीन तीन दिन में ब्रांचेस का प्रेशर शुरू हुआ था तभी मैंने है ना काफी जगह पे ये कहा कि ये सिस्टम शुरू हो गया है कि दो दिन में ब्रांच की खत्म ऑडिट खत्म करनी है तीन दिन में तीन ब्रांचेस खत्म करनी है जो बैंक वालों से तो प्रेशर आता है ना यही एक डेथ ने हमारे लिए तैयार हो गया है ये अल्टीमेटली जाकर के इट विल गिव ए बैड इंप्रेशन ऑफ द प्रोफेशन ऑन द होल थिंग दैट वी आर नॉट डूइंग द वर्क एंड वो हो गया वो हो गया अब इसमें जैन साहब वही है कि आपने बेसिकली जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया कि अगर हमारे पास फर्स्ट डे हमें अगर नहीं मिलती है क्लोजिंग वी ऑलवेज कंट्रोलर्स मैं बता रहा हूँ इतना बर्डन शिफ्ट हो जाता है हमारा कि की नो बडी पिंच बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आप तो मेल से कन्फर्मेशन ब्रांचेज कन्फर्म देर क्लोजिंग डिस्टेंस आर विध यू बिफोर वी स्टार्ट दस ये तो इससे कहीं ना कहीं आपका प्रेसर रिवर्स होता है

और दीपक जी और सैनी जी सभी लोग साथ चल रहे हैं सर ब्रांच में चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमने हमारा टॉपिक है ये प्रैक्टिकल अप्रोच राजेश भाई जी सर जी सर बिल्कुल साथ में आ जाओ अगर चाय नाश्ता हो जाओ तो नहीं नहीं सर आपके ने? साथ है सर हम साथ ही हो अच्छा राजेश जी को भी साथ रखो तो सर एक छोटी सी बात और करनी थी सर इतना लंबा डिस्कशन अच्छा हुआ ये सर इसमें ये जो हमने अभी सब बात की डिस्वालिफिकेशन डिस्कालिफिकेशन और जैन साहब ने भी अपनी बात रखी सर इसमें हमारा जो बड़ा भाई है एल्डर ब्रदर एस सी उसका क्या रोल है तो नहीं है सर देखना तो नहीं है कैन वी ज्वाइन हैंड्स फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन विद हिज कंकेंस कुछ उनका कुछ हो सकता है हमें केवल अपना काम मैं किसी के पास, पास नहीं है सर आजकल देखो दीपक जी बात यह है वो कहेंगे हम बड़ी बड़ी ब्रांचेस देख रहे हैं आपके छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन अगर हम सिस्टम पे कमेंट्स कर रहे हैं सर बिलीव मी अगर आप सिस्टम पे कमेंट कर रहे हैं या सिस्टम में मैनुअल इंटरवेंशन के एग्जांपल आप दे रहे हैं विथ डॉक्यूमेंटेशन दे कैन नॉट इग्नोर इट एंड इफ दे आर इग्नोर इग्नोरिंग इट दे आर एट बेसिकली रिस्क बिलीव मी हमें ये गाइडेंस मिला था कि अगर कोई फ्रॉड अगर बैंक में आपको पता चलता है या कुछ ऐसी चीज पता चलती है बैंक में जो कंपलसरी है सेंट्रल स्टेचुटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना तो उस केस में तो आपको बिल्कुल पूरा प्रयास करना चाहिए उनसे कम्युनिकेट करने का और दीपक जी दीपक जी मैनुअल इंटरवेंशन क्या है इज इट नॉट ए फ्रॉड बिल्कुल Then, सर पहले की बात अलग थी आज की बात अलग है आज आज की नहीं बात के में manual intervention as the fraud. बिल्कुल।, बिल्कुल बहुत है, बता रहा आपको अगर राजेश भाई अगर ब्रांच, ब्रांच की रिपोर्ट अगर इस तरह की चली जाए ना इन तीन चीजों को चैलेंज करते हुए आप देख लेना कैसे एक्शन नहीं होता है या कैसे सेंट्रल ऑडिटर इग्नोर कर देता अब सहनी साहब ने रिपोर्ट दे दी गलत बाकी सारी क्लीन आ गई राजेश भाई दे दे दी ने दे दी कुछ नहीं होगा सर एक ऑडिटर से।, कहीं कहीं तो से, से नहीं होने वाला सर तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ थोड़ी सी तैयारी कराता हूँ लोग ब्रांच के लिए ऑडिट के लिए टाइम कम होता है मैं फिर अगेन एट कॉस्ट ऑफ रेपन

राइटिंग में करना चाहिए जो भी करना चाहिए उनके साथ बिल्कुल वी आर पियर सर जैन साहब बताइए वी आर नॉट सबऑर्डिनेट टू देंट्रल ऑडिटर्स वी आर पियर्स वी आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स तो अब बात यही आती है कि तैयारी कैसे करनी है तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ तैयारी आपकी जब आपको आपका बैंक मालूम होता आप यूफी आर रनिंग ऑडिटर्स यू कैन मेक क्योंकि प्लानिंग अगर आपकी फेल है तो प्लानिंग uh, uh, so कैसे करनी है कि आपके पास अगर रनिंग ऑडिटर्स है या आपके पास मालूम है कौन सा बैंक है तो जैसे आईसीआई का गाइडेंस जो लोग रेगुलर कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हैं वो अपडेटेड रहते हैं राइट जैन साहब लेकिन जो अपडेट जिनका स्टेशनरी ऑडिट का ही केवल एग्जीक्यूशन है तो दे हैव टू ब्रस अप देयर नॉलेज तो इसके लिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का मास्टर सर्कुलर है का, सर्कुलर, 2023 का। और उस सर्कुलर में बहुत अच्छी अच्छी इंप्रूवमेंट उन्होंने कर दी है जैसे राजेश भाई आपको याद हो कई बार जब बी डी गुप्ता जी बोलते हैं बैलेंस शीट डेट पे बड़ा लंबा डिस्कशन होता था बैलेंस शीट डेट खत्म कर दी गई अब नाइनटी डे नॉर्म्स में डे एंड प्रोसेस पे अकाउंट एनपीए मार्क होगा या मार्क होगा डे एंड पे

रिपोर्ट्स के कौन कौन से अकाउंट्स एनपीए मार्क हुए हैं कौन कौन से जीरो में है वन में है एस एम ए टू में है तो अब हमें केवल तैयारी ये करनी है कि सर एक तो आईसीआई का गाइडेंस नोट जो बहुत टाइमली इस बार आ गया था ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का वो अपने साथ रखना है एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जैन साहब आपका मैं ध्यान चाहूंगा यहाँ पर कि अगर हम ये तीन चीजों को चैलेंज करते हैं सर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को एमआईएस इंटिग्र, इंटीग्रेशन को और Of NPA को. In में अगर फ्लॉज है, है तो सर हमारी आईएफसी की रिपोर्ट क्लीन हो ही नहीं सकती इंटरनल फाइनेंशियल आर वीकनेसिस इन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स देन हाउ कैन बी इ्लीन ओपिनियन ऑन आई एफ सी और रिवाइज एल एफ एर जो आपका इसके ऊपर भी एक गाइडेंस नोट आईसीआई का इंडिपेंडेंट है दो में जब यह रिवाइज हुआ था तो ये सारे गाइडेंस नोट हमारे पास होने चाहिए सॉफ्ट कॉपी में तो एटलीस्ट होने चाहिए और वी शुड गो थ्रू इट कि इसमें से हमारी ब्रांच के लिए कौन कौन से इफेक्टिव है एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस नोट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इंस्टीट्यूट ने रेफर किया आपने मेन गाइडेंस में भी स्पेशल कियापज सर्टिफिकेट का गाइडेंस नोट है टू का गाइडेंस नोट ऑन स्पेशल घोष एंड जिलानी कमेटी रिपोर्ट क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर हम हंड्रेड परसेंट सर्टिफिकेट कोई भी सर्टिफिकेट हंड्रेड परसेंट पॉपुलेशन डाटा देख सकते हैं? नहीं देख सकते Possible. तो ये स्पेशल पर्पज सर्टिफिकेट का एक स्पेशल हमारे लिए संजीवनी की तरह काम करता है जो कहता है कि हमने जितने भी सर्टिफिकेट साइन किए हैं

और इसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट का 2016 का गाइडेंस नोट है और इसका फॉर्मेट फॉर्मेट कंटेंट एंड जैसे जान साहब बात कर रहे थे कि कुछ चीजें तो आज भी इतनी पुरानी चली आ रही हैं जो होनी नहीं चाहिए जैसे वो पूछता कि बैंक, इस ब्रा, ब्रांच कैरिंग कैश बैलेंस विच इज बियॉन्ड द लिमिट्स जनसा मैं ये कहता हूँ इन सब चीजों की ऑडिटर से आज कोई लेने की जरूरत क्या आपको द क्लिक ऑफ द माउस एट द सेंट्रल ऑफिस यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ आर यू मेकिंग द ब्रांच ऑडिटर्स बल्कि जो आपके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप माइक्रो फिल्मिंग की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं आपकी लेजर, लेजर बैलेंसिंग मैनुअली ठीक हो रही या नहीं हो रही मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बट द स्टूपिट क्वेश्चन इनरेलीवेंट एंड यू आर बेसिकली पुटिंग अवर एफर्ट्स वो कहीं ना कहीं हमें जो भी बैंक है उस, मैं रिक्वेस्ट उसकी लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट जरूर उसने डाउनलोड करके और उसमें सेवल आपने देखना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इसकी क्या है और एक बार आप जब बोर्ड देख लेते हैं चेयरमैन की स्पीच देख लेते हैं तो और प्रोडक्ट्स के आपको आइडिया उससे हो जाते हैं पोर्टल पे आपको जाके प्रोडक्ट्स के आइडिया हो जाते हैं नए नए प्रोडक्ट आ गए तो आपको उनसे पूछना नहीं पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में कि, किस तरह से आप फाइनेंसिंग करते हैं ऑल दीज थिंग्स आर एवेलेबल रेडली ऑन दी पोर्टल ऑफ द बैंक इट तो ये पोर्टल को जरूर यूज करें सर एनुअल रिपोर्ट के पर्पज से उनके डिपॉजिट्स के पर्पज से एडवांस के पर्पज से और उनकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी निकालने के लिए एक इन ईच एंड एवरी बैंक आपको एक क्लोजिंग सर्कुलर आता है आई एम नॉट सी आपको हंड्रेड परसेंट उसको पढ़ना है लेकिन जिस तरह की आपको ब्रांच अलॉटेड है उससे रिलेटेड क्लोजिंग सर्कुलर यू हैव टू रीड और उसको आप हाईलाइट करते जाए जो भी चीज आज कर रहे हैं चाहे प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी चीज रीड कर रहे हैं आप ये मानो कि आपको दोबारा उसको देखने का टाइम नहीं मिलेगा तो सर काइंडली अप्रीशिएट की उसको हाईलाइट करके नोट डाउन करके जिस जो जिस तरह भी आपका वर्किंग स्टाइल है उसको आप अपने ऑडिट फाइल में लगाते जाए इसके बाद कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर्स इज मस्ट एज पर कोड ऑफ एथिक्स एंड अदरवाइज ऑल्सो अदरवाइज का मतलब क्या है सैनी जी कि जब आप प्रीवियस ऑडिटर को फोन पे बात मैं जरूर करता हूं तो उससे आइडिया ये लग जाता है कि उस ब्रांच का प्रोफाइल और उस ब्रांच के बारे में क्या वीकनेसेस क्या प्ला... आप ये मान लो कि दस मिनट आपने बात करना है अगर वो जेंटलैन टाइम देना चाह रहा है दस मिनट का टाइम आपसे चाहिए तो राजेश जी का भी ध्यान चाहूंगा सर उसमें क्या हमारा पर्पज सॉल्व होता है एक तो हमें पता लग जाता है कि हमारा जो था वो या था? था या एनपीए था परफॉर्मिंग ऑडिटर था या नॉन परफॉर्मिंग ऑडिटर था राइट अगर वो परफॉर्मिंग ऑडिटर है तो हमारा काम हमें अच्छा फीडबैक मिल जाएगा अगर नॉन परफॉर्मिंग है तो हमें ये पेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमारा बर्डन और बढ़ गया इसका मतलब पीछे का भी हिसाब किताब अब आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंसेस भी ठीक नहीं है और दूसरा आपका कोड ऑफ एथिक्स आपने मेल आपने लिख दिया आपका कम्युनिकेशन हो गया मेल का आपने वेट नहीं करना ये आईसीआई ने भी कहा कि इफ यू गिवन द मेल देन यू कैन एक्सेप्ट द असाइनमेंट वो साथ के साथ आप कर सकते हैं तो लॉजिस्टिक्स ग्रे एरियाज क्या है बिजनेस क्या है मैं जैन साहब कोशिश करता हूं दस मिनट कम से कम उससे जेंटलमैन से ले लूं भैया कौन कौन से अकाउंट्स रिस्की है किस तरह का प्रोफाइल मिला था कौन सा ब्रांच में कौन सा ऐसा बंदा था जिसको पूरी ब्रांच की अवेयरनेस थी क्लियरिकल लेवल पर क्योंकि कई बार होता है कि आपके ऑफिसर्स को नॉलेज नहीं होती क्लरकल लेवल पे जो बंदा होता है वो पूरी ब्रांच चला रहा होता है खासतौर से जो रिमोट ब्रांचेस की बात कर रहा हूं मैं ईआरपी इन्वायरमेंट आपका आपको मालूम होना चाहिए भाई कौन से सॉफ्टवेयर वहां पर चल रहे हैं बैंक मास्टर चल रहा है इन्फोसिस का चल रहा है

प्री ब्रांच विजिट करनी है आपको ब्रांच जाने से पहले आपकी तैयारी हो गई अगर आप रनिंग ऑडिटर्स हैं तो पिछले साल की ऑफ कोर्स आप फाइल देख लें सो so, दैट की बहुत सारी चीजें आपको पिछले साल की अपनी ऑडिट फाइल में इस बहुत सारे सर्कुलर उनके मिल जाएंगे जो आपने लिए होंगे लास्ट ईयर्स में अगर आप तीसरी साल है तो पिछले तीन सालों की देख लें कि कौन कौन से मास्टर सर्कुलर से या कुछ और रेलिवेंट बैंक के सर्कुलर्स कोई है कौन से कोई प्रोडक्ट है कुछ और है कोई बैंक के कस्टमाइज सर्कुलर्स हैं बोर्ड पॉलिसीज हैं वो सब आप अपनी अपनी फाइल से निकाल लें ऑफ आस्किंग अगेन अगेन एंड और ऑफ कोर्स जब आप ऑफ ऑफ ऑफिस जा रहे हैं तो ये सब चीजें आज के टाइम में लॉजिस्टिक्स आपके साथ होनी चाहिए सारे गाइडेंस नोट इन सॉफ्ट फॉर्म और ऑफ कोर्स आपके पास पेन ड्राइव लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन जैसे जैन साहब ने कहा शाम को आके आपने होटल ही से मेल लिखनी पड़ेगी सर क्योंकि कि आपको डेटा मिल रहा नहीं मिल रहा बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में लिखना है जस्ट आपका क्योंकि आपका फोकस ये है कि इंटीमेशन जा रही है आपने शिकायत नहीं करनी कंप्लेंट मोड में नहीं करना बस रिक्वेस्ट करनी है कंप्लीटेड इन टाइम हम अपनी तरफ से कहना वो कहें कि से हो, हम क्या है कि so right, सर? इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा और खासतौर से राजेश भाई साहब से इनपुट जरूर चाहूंगा आ, राजेश जैन साहब भी है राजेश अग्रवाल साहब भी हैं तो स्क्वायर हो गया इसमें सबसे पहले क्या अगर बाहर की ब्रांचेज हैं तो व्हाट आई डू कि जाके कम से कम एक या दो घंटे ब्रांच इनकमेंट के साथ आपको लगाने पेशेंसली उनको सुनना है आपने अपने बारे में नहीं बताना अगर आपने बता दिया मैं राजेश कुमार जैन हूं तो और उन्होंने कहीं से खबर ले ली आपकी कि अरे ये तो बड़े सख्त ऑडिटर है साहब और इन्होंने पिछली ये वाली ब्रांचेज की थी और वहां इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया था बिलीव मी जैन साहब अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपका बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा जिस तरह से मिलनी चाहिए, आपको नहीं गलती से उसे तो कई बार कहते हैं कि कुछ आपको दिखाना भी पड़ता है कुछ करना और पड़ता है तो मैं तो कहता हूँ भैया मैं तो टैक्स मैटर्स देखता हूँ इस बार हमारे पार्टनर है राजेश जी वो आ नहीं पाए तो मैं आ गया तो

कि नाउ दे आर हैप्पी ऑडिटर्स को इनके साथ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी आपने information, उनकी इंफॉर्मेशन तो. <laughs> मांगनी इस तरह से है कि आपको मालूम नहीं है कोई भी दो इंफॉर्मेशन जिनको आप कोरिलेट करना चाहते हैं एक साथ मतलब वो है. आपको मिठाई खिला के वापस भेज देंगे आप नहीं सर सुनो मेरी बात दो इंफॉर्मेशन जो आप कोरिलेट करना चाहते हैं नेवर आस्क टुगेदर एक टाइम में एक चीज दूसरी टाइम में दूसरी चीज Oh. अगर स्टेटमेंट से कोई चीज आपको डॉक्यूमेंट्स में रिलेट करनी है तो स्टेटमेंट जब निकलवा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को साथ मत और जब डॉक्यूमेंट देख रहे हैं आप पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल एडवांसेस राजेश भाई कि इन नंबर ऑफ केसेस दे आर राइटिंग लेटर्स बाई द स्पीड पोस्ट दैट यू हैव नॉट डिपोजिटेड एनी इवन ए सिंगल रुपी इन योर अकाउंट फॉर लास्ट टू थ्री इयर्स। भाई साहब जैन साहब लिख रहा है कि दो साल से आपने कोई अपने अकाउंट में पेमेंट नहीं की है और इन एवरी इन पेमेंट्स आर देयर इन दिटर को क्या चाहिए सर आपकी स्पीड पोस्ट से राजेश जी चिट्ठी जा रही है कि आपने तीन साल से अपने इस अकाउंट नंबर में पेमेंट नहीं किया है और तीनों सालों में एग्रीकल्चर में पेमेंट है सेम डे डिजिट से And even withdrawals are greater than the deposits. What does it mean? क्या हुआ ये दीपक जी? क्या कहोगे इसको आप इज इट नॉट ए फ्रॉड अगर ये fraud नहीं है, तो फिर और क्या फ्रॉड होगा सर आपकी ब्रांच मैं केवल आपसे वही इशू डिस्कस कर रहा हूँ विच आईव पर्सनली सीन कहीं किताब की लिखी हुई कोई चीज नहीं एन वन ऑफ द ब्रांच आई नोटिस जैन साहब कि ब्रांच ने अपने ब्रांच में अपना करंट अकाउंट खोला हुआ है अपने नाम से और एनपी अकाउंट क्रेडिट और ब्रांच का ओवरड्राफ्ट अकाउंट ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंट अकाउंट एंड रिवर्सल ऑफ इट अगर ये फ्रॉड नहीं है तो फिर और फ्रॉड क्या होगा अगर आपके सिस्टम इतने रोबस्ट है तो फिर रोबस्ट क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम सर राजेश भाई गॉट माई पॉइंट ब्रांच के अंदर सिस्टम सिस्टम ने कैसे अलाउ कर दिया ब्रांच का अकाउंट ओपन करने के लिए क्या केवाईसी वगैरह क्या रहे ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन बाय बाई देंट्रल ऑडिटर्स हाउ इट कुड हैपन सर आप वही मैं कह रहा हूं कि इन तीन चीजों को और मैं जो भी चीज लिखता हूं मैं अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट का उसको जरूर पार्ट बनाता हूं एल एफ आर में तो जाएगी जाएगी क्योंकि मुझे पता है एल एफ आर इज नॉट रेड टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द बैलेंस शीट मैन ऑडिट रिपोर्ट में आपको ये चीजें अगर हाईलाइट कर रहे हैं उसके बाद अगर कोई सेंट्रल ऑडिटर कॉल नहीं ले रहा है दीपक जी देन वी आर हेल्पलेस हमें अपना काम करना है इस, इसके तो में कुछ नहीं करना राइट right? तो एक तो ये है कि आपने उसके साथ कॉन्फिडेंस बनाना है अपना ब्रांच के साथ जाके पोलाइट रहना है सम, सम रहना है और फिर हर ब्रांच में बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं कौन करेंट ऑडिट हो रहा है स्टॉक ऑडिट हो रहा है इंटरनल ऑडिट हो रहा है आरबीआई इंस्पेक्शन हो रहा, हो रहा, हो रहा। तो मैंने एक सर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा राजेश भाई लिस्ट बना रखी है वो लिस्ट जाके उनको जब आधा एक घंटे का डिस्कशन हो गया चाय वाय पी ली ना आपने राजेश भाई पीली चाय नहीं पी ली यस सर यस सर चाय हो गई आपकी उसके बाद कहते हैं सर ये एक लिस्ट है कि आपके लास्ट ईयर कौन कौन से ऑडिट हुए थे उनका कितना पीरियड कवर था ऑडिट में राइट right? और उसकी की क्या है वो क्लोजर हो गया या नहीं हो गया नहीं नहीं हमारी तो सर सारी क्लोज हो गई तो कोई बात नहीं ये वाली लिस्ट आप हमें फिल करके दे दें ये लिस्ट हमें तो पिछले वाले ऑडिटर ने तो नहीं मांगी थी तो ये नई रिक्वायरमेंट आई है सर अच्छा अच्छा कोई बात नहीं आप आप हमें उन्हीं से भरवाना है हमने नहीं अपने हाथ से लिखना सर ये रिटर्न प्रेजेंटेशन हमारी साथ के साथ शुरू हो चुकी है सर कि कौन कौन से ऑडिट कंडक्ट हुए उसका पीरियड कवर्ड क्या था ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी और उनकी कंप्लाइंस की पोजीशन क्या है क्लोजर की पोजीशन क्या है उसके बाद भी वी शुड ट्राई कि वो सारी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल हो जाए टू द एक्सटेंट पॉसिबल देट विल ट्राई नॉट टू गिव इट नहीं साहब वो सिस्टम पे है तो ठीक है सर सिस्टम पे है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि इट हैज नॉट बीन गिवन टू अस नहीं नहीं हम आपको दे देंगे और उसमें हमें क्या देखना है मैं क्या देखता हूं देखना क्या है ये तो हम आप लोगों से नहीं कह सकते ऑल आर एक्सपीरियंस्ड मैं क्या देखता हूं सर कि इसमें पीए कौन सा था इतने ऑडिट के अंदर पीए का मतलब राजेश भाई परफॉर्मिंग ऑडिटर उन रिपोर्ट्स के अंदर ये ढूंढना है कि इसमें परफॉर्मिंग ऑडिटर कौन था एंड बिलीव मी वेरी अनफॉर्चुनेटली टिल इन लास्ट ट्वेंटी फाइव आई कुडंट गेट ए सिंगल एस बी एज द परफॉर्मिंग ऑडिटर पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि अगर एसबीए से बहुत कुछ आपको मिल सकता था पिछली साल की रिपोर्ट देख के अगर वो क्लीन ओपिनियन मिल रहा है LFAR भी ब्लैंक से है तो कुछ नहीं है इंटरनल ऑडिट में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट क्योंकि वो उनके इंटरनल स्टाफ के होते हैं बहुत सी चीजें बहुत सी वीकनेसेस आपको ब्रांच की मिल जाती है कौन करंट ऑडिटर से कभी मिल जाते हैं कभी और जो स्टॉक ऑडिटर्स रिपोर्ट है वो आपको बड़े अकाउंट्स का एक ग्लिम्स देती है कि किस तरह का स्टॉक ऑडिट हुआ है अगर मैं जैन साहब का अटेंशन चाहूंगा जैन साहब अगर स्टॉक ऑडिटर हमारा अच्छा है तो बड़े अकाउंट में काफी हमें सपोर्ट मिल जाती है लेकिन अगर स्टॉक ऑडिट केवल आई बॉस हुआ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है सर और ख़ास से जहाँ अकाउंट स्टिकी हैं उन उन एडवांसिस के अंदर स्टॉक ऑडिटर्स का बहुत बड़ा रोल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ रिपोर्ट विच शुड तो उनमें हमें राजेश भाई अब एक रिपोर्ट बल्कि अग्रवाल साहब कहूंगा क्योंकि राजेश जी दो है अग्रवाल साहब तो उसमें हमें क्या है कि हमें जब परफॉर्मिंग ऑडिटर कोई मिल गया किस्मत से तो हमें ब्रांच का एक फेयर आइडिया हो गया कि यहाँ पर कहा वीकनेसेस है कौन कौन से किस तरह की वर्किंग है क्या अकाउंट बहुत सारी चीजें जो हमें उन, हम लोग उनसे बरबली पूछते हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है नेचर ऑफ एडवांस क्या है टोटल किस किस तरह के कितने अकाउंट्स है क्या है क्या नहीं है ब्रेकअप क्या है सो मेनी थिंग्स वी विल गेट आउट ऑफ दीज रिपोर्ट्स और एक चीज इसमें और है जैन साहब कि हर साल पांच सात सौ क्वेरी निकलती है उनकी रेगुलरिटी फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड फिफ्टी परसेंट अटेंडेड हो गई ड्यूरिंग द ऑडिट फिफ्टी परसेंट पेंडिंग रह गई फिर मेरा यहां पर एक पॉइंट ये है जैन साहब कि अगर आपके सिस्टम रोबस्ट है तो सेम रेपिटेटिव नेचर की ये बार बार रेगुलरिटी क्यों आती है इसका मतलब आपके प्रिवेंटिव चेक्स ठीक नहीं होते वीक है वीक है, थीक है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है सर क्योंकि रेपिटेटिव नेचर की क्वेरी आपकी बार बार आ रही है हर तो मैं क्या करता हूं एक और मैंने फॉर्मेट बना रखा है कि तीन साल की ये डाटा आप हमें कंपाइल कर दो कि जो आपकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में इस साल में कितनी इरेगुलरिटी थी इससे पिछले साल में कितनी थी उससे पिछले साल में कितनी थी और उससे ग्रेडिंग भी ब्रांच की आपकी आती है अगर आपकी रेपिटेटिव नेचर की क्वेरी आ रही है हाउ कैन यू से दैट योर कंट्रोल्स आर देयर आईएफसी की रिपोर्ट बन गई सर यहां से हमारी इसका मतलब जो चेक्स लगे हुए हैं वो प्रिवेंटिव नेचर के चेक्स वीक हैं वो ओवरराइड हो रहे हैं उसमें मैनुअल इंटरवेंशन है वो इफेक्टिव नहीं है उस पर करेक्टिव एक्शन नहीं हो रहा है एम आई राइट जैन साहब तो इन रिपोर्ट्स से हमारे आईएफसी की रिपोर्ट बनती है और वहां से हमें मेजर वीकनेसेस पता लग जाती हैं और ये इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद हमारा एक फेयर आइडिया ब्रांच का हमें मिल जाता है खासतौर से इनकी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट या इंस्पेक्शन हर बैंक की अपनी अपनी नॉमनी क्लेचर है तो एक रिपोर्ट ऐसी आपको मिल जाएगी जिसमें परफॉर्मिंग ऑडिटर्स होंगे उनके इंटरनल होते उन्हें कुछ दिखाना भी होता है तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए स्टेस्टिकल है बहुत सारी चीजें आपके लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है खासतौर से जो डिपॉजिट्स और एडवांसिस का पोर्टफोलियो है वो ऑडिटर्स के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है राइट सर अब हम तो बिजी हो गए जैन साहब भी बिजी हो गए अब उनको भी तो बिजी रखना है सर तो उसके लिए मैंने एक और लिस्ट बनाई है सर ये लिस्ट में देता हूं उनको वॉक इन प्रोसेस चल रहा है बिफोर लंच की मीटिंग है सर ये उसमें ये सब काम निपटाना है ये मैं एक लिस्ट दे देता हूं सर इनमें से बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो आज भी उनके मैनुअल मेंटेन हो रहे हैं कई ब्रांचेज में तो उनसे कहते हैं भाई आप ये बता दो कौन कौन से रजिस्टर्स आपके रजिस्ट कंप्यूटराइज है और कौन से मैनुअल है और कब तक अपडेटेड है तो सर इसमें तो कई सारे रजिस्टर अपडेटेड कोई बात नहीं आप करा लो। मेरे से पहले दिखा देना पूरी ब्रांच बिजी हो गई हर डिपार्टमेंट बिजी हो गया रजिस्टर्स से दे आर इनटू इट कि भैया ऑडिटर्स ने मांगे और इनको कंप्लीट करके दिखाना है तो आपने देखना भी है ऐसा नहीं कि क्या ही देना है राइट अब यहां पर एक मेरा पॉइंट और है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने यू किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिन किया आज भी बैंकों में कोई रिसीट सिस्टम नहीं है सर कंप्यूटराइज देयर इज नो कम्युनिकेशन रेफरेंस विच शुड बी देयर आप हमसे पूछते हो कि क्या बैंक गारंटी सीरियली इश्यूड है मतलब ऑडिटर से पूछ रहे हो आप मतलब यू सी द हाइट मतलब आप अपने सिस्टम के लिए ऑडिटर से पूछ रहे हो क्या सीरियली नंबर है बैंक गारंटी ये एलसी सी सीरियली नंबर है और आपके अपने इंटरनल कंट्रोल से नहीं है कि वो सीरियल नंबर है स्टॉक की स्टेटमेंट्स आती हैं क्यूआईएस आती है उस पर डेट तक नहीं है कि किस डेट में रिसीव किया आपने यस yes. ये क्या है ये 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 एफिशिएंसी है आपकी इट्स

क्या रिकॉर्ड है तो ये सब रजिस्टर की लिस्ट दे देता हूँ फिक्स असिस्टेंट रजिस्टर वहां नहीं मिलेंगे ल, ल, सी आप कर रहे, उसका कोई कंट्रोल रजिस्टर बिल परचेज कर रहे हैं लॉ हो so हो हो रहे 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 आज भी इनके कई चल हैं में और आप देखेंगे तो तो वो नहीं है right, sir? तो अब आपकी गई आपने अपना लिस्ट दे दी उनको और उनसे ले ली और वो रिपोर्ट्स जो आपको मिली है वो सीनियर लेवल की जो सीनियर है टीम का उसको बैठ के वो रिपोर्ट होटल में या अपने ऑफिस में या घर पे देखनी है सर क्योंकि वहां टाइम नहीं लगाना उसपे रिपोर्ट्स पे आपने देखना यही है कि ऑफ साइड काम कित... जैसे जैन साहब ने कहा कि दो रात को दो दो बजे तक ऑफ साइड कितना काम हो सकता है कितना हो जो -साइट का जिसके लिए -साइट है वही ऑन साइट रखें जो ऑफ साइट हो सकता है लेट्स प्रेफर कि हम ऑफ साइट करेंगे राइट सर और जितनी भी आप रिपोर्ट्स दे रहे हैं मेरी आपसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है फैन कम से कम एक बार उस रिपोर्ट को पढ़े जरूर जरूर पढ़े सर मान लो आपने कहीं टिक कर दिया कि बैंक गारंटी नंबर इशूड होती हैं और अगर ब्रांच में कोई फ्रॉड हो गया वो सीरियली नंबर का वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट होना चाहिए कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि आपने कोई नंबर डाल दिया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए सीरियली होने से अगर आप देखें नीरव मोदी का जो केस हुआ था सबसे बड़ा उसमें एक ही पॉइंट निकला था जिसमें गोपाल कृष्णन जी अंदर गए थे कि उन्होंने जो इसका सॉरी सत्यम वाले में सत्यम वाले स्कैम में ये हुआ था डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट थे उसकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ली गई थी और इसमें स्विफ्ट मैसेजेस के साथ हुआ था नीरव मोदी में तो कोई भी अगर यस yes, नो no कर रहे हैं तो पहले मैनेजमेंट से करवाए और मैं एक पॉइंट यहां पर भूल गया कि जो LFR है ना जैन साहब मैं ब्रांच मैनेजमेंट को ही दे देता हूं पहले विजिट पे अपने यहां से प्रिंट करके ले जाता हूँ कि सर इसको भर देना बोले ये तो सब आप भरोगे अरे सर हम कहा भरेंगे आप भर दोगे एक मैसेज चला गया कि ऑडिटर काम करने वाले नहीं है लेकिन मेरा फोकस क्या है सैनी साहब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हर क्लॉज पे इनकी रिप्रेजेंटेशन आ गई की राइटिंग में कि व्हाट दे हैव सेड अगेंस्ट क्लॉज उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन तो हम अपनी अलग से करेंगे और रिपोर्ट भी हमारी अलग से बनेगी लेकिन हमने दीपक जी क्या किया एल एफ एर उन्हीं की हैंड राइटिंग में भरवा लिया घोष जिलानी उन्हीं की हैंड राइटिंग में भरवा ली इज इट मेकिंग एनी सेंस जैन साहब थोड़ा सा आपका व्यू पॉइंट सर मेरे मेरा व्यू पॉइंट यह है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ब्रांच में इतनी नॉलेज है नहीं वो है ना कभी भी है ना इसलिए तैयार नहीं होते कि भाई वो खुद दें पर्टिकुलरली तो लार्ज एडवांसेस में वो भी क्या नाम है जो दिक्कत करते हैं वो कहते लार्ज एडवांसेस भी बिल्कुल ठीक है तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उनके साथ बैठ के हाँ तो क्या करते हैं सर उस केस में बिल्कुल आपने ठीक यही तो मैं चाहता था कि आप लोगों से इस तरह तो उसमें क्या करते हैं सामने बैठ के सर मैं बैठा हूँ आप लिखो

क्योंकि तो ज्यादा टाइम नहीं है रोबस्टनेस ऑफ सिस्ट, सिस्टम्स को जो चैलेंज करना है सर जैसे मैंने कहा कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो उनकी मिलेंगी वो अपने आप में हाईलाइट करेंगी कि आपके सिस्टम्स इफेक्टिवली नहीं चल रहे हैं आपके प्रिवेंटिव चेक्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं बार बार सेम रेपिटेशन आपकी हो रही है इसका मतलब आपका आई एफ सी ट्रबल में है और इसको हमने कहां कहां लिखना है इसको एल एफ ए आर में भी लिखना है और हमने इसको ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखना है सर क्योंकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए कुछ मैं, मैं कुछ सेंट्रल ऑडिटर्स ने क्या किया है कि दे आर नॉट गेटिंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम यू एज ए ब्रांच ऑडिटर दे हैव इशूड द चेकलिस्ट कि आप इस पे यस नो और टिक मार करके भेजो कि ये कंट्रोल्स हैं या नहीं है hmm. तो इस केस में जितनी ये इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस है सर जन साहब उसको आई यूज टू रिपोर्ट इन अदर मैटर पैराग्राफ जिनसे हमारे नंबर्स नहीं हिल रहे हैं और सिस्टम्स की प्रॉब्लम है क्योंकि एल एफ आर इज टोटली डिफरेंट मैं उन एल एफ आर के पॉइंट को अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में, में इन सब चीजों को जरूर इनकॉर्पोरेट करता हूं विदाउट फेल जो भी एल एफ एर के हमारे मेजर पॉइंट है मेटेरियल पॉइंट है आई यूज टू रिपोर्ट अंडर अदर मैटर्स जिनसे हमारे नंबर्स नहीं हिल रहे लेकिन जिनसे नंबर चल रहे हैं कॉल कि हमें ओपिनियन अपनी एडवर्स देनी है या क्वालिफाइड देनी है राइट right, सर इसी तरह से कौन करेंट ऑडिट रेवेन्यू ऑडिट अगर जैन साहब अगर रेवेन्यू ऑडिट में आज भी आपकी इनकम डी रिकॉग्नाइज टाइमली नहीं हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम में कहीं फॉल्ट है योर सीबीएस इज नॉट कैपेबल ऑफ बुकिंग द इनकम इन अग्रवाल साहब लास्ट ईयर इन वन ऑफ द ब्रांच आई फाउंड दैट इन ट्वेंटी जीरो इंटरेस्ट बार थ्रू आउट के अंदर पूरे साल में कोई इंटरेस्ट डेबिट नहीं था अपना कॉन्फिडेंस एक हो जाता कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे अकाउंट में पार्क होता हो ये वंस आई द दॉर्ट द एक्सप्लेनेशन सर गलती हो गई इसमें क्या गलती हो गई जहां इंटरेस्ट का रेट था वो जीरो फीट था सर अब बताएं ये आपके सिस्टम है या ये आपके फ्रॉड्स हैं या ये क्या है टू सेव अकाउंट फ्रॉम द एनपीए कभी किसी बच्चे उसको नोबिस को पकड़ा दिया होगा कि सब में जीरो कर दे अभी मास्टर रिकॉर्ड इज मैनुप्लेटेड यस और ये तो बहुत सिवियर चीज हो गई सर ब्रांच लेवल पे अगर मास्टर रिकॉर्ड्स को इस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो ये सब चीजें देखनी है सर सिस्टम ऑडिट जब हुआ उसमें क्या क्या चीजें फ्लैग की गई स्टॉक ऑडिटर्स ने क्या क्या चीजें फ्लैग की या क्या क्या चीजें फ्लैग नहीं की आई ऑलवेज यू टू से भैया स्टॉक ऑडिटर ने ये क्या हमारी ऑब्जर्वेशन ये है हमारा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ये है और ये स्टॉक ऑडिटर ने कहा लेट्स कंपेयर और इन सब चीजों को प्लीज नोट कि आपने इस बार चैलेंज जरूर करना है सर थ्रू मैन ऑडिट रिपोर्ट मेरा बार-बार है कि मैन ऑडिट रिपोर्ट में आपकी जब तक ये चीजें नहीं आएगी इंटरनल वो एल एफ में आप कितनी भी मेहनत करके लिखते रहो कोई नहीं देखने वाला सर और इट इट विल नॉट मेक द डिफरेंस मैनुअल कंट्रोल रजिस्टर आज भी आपके चल रहे हैं जबकि आप कह रहे हैं हमारा सब कुछ

Am I making any sense, sir? sir? sir What is this in which era we are living, sir? Manual approval system foreign foreign exchange foreign exchange branch branch मुझे बहुत रिस्की ब्रांच लगती है सचमुचो तो कभी किसी ने कहा भी हमारे साथ मैंनेटली to मुझे कभी मिली नहीं तो हमने कभी उसको ट्राई भी नहीं किया फ्रेंकली कन्फेसिंग फिजिकल फाइल्स मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है इंटरनल कंट्रोल्स का अगर आपकी फाइलिंग गलत है और हम देख रहे हैं चीजें नहीं मिल रही हैं ना तो वो सिक्युएस में लगी है ना इनकी इंडेक्सिंग है ना फाइल्स की इंडेक्सिंग है ना फाइल्स के कंट्रोल्स हैं दीपक जी जबकि वो आपकी फाइल्स ही आपकी जान है सिक्योरिटी hmm. डॉक्यूमेंट्स आपके

एडवांसेस के पोर्टफोलियो से मैच नहीं कर रहा है यू सी मतलब कि आपकी फिगर्स मैच नहीं करती हैं और क्लासिफिकेशन तो दूर की बात है वहां की क्लासिफिकेशन अगर आप सीबीएस की निकाल लो और जो ये बीच के मिडिल से रिपोर्ट निकाल के हमें देते हैं उनके आपके आपकी क्लासिफिकेशन बीच में मैच नहीं करते ये सब चीजें अगर मैं मेरा पॉइंट सिर्फ इतना अगर फोकस करेंगे और अगर रिपोर्ट्स के थ्रू जाएंगी तो शायद कहीं इस असाइनमेंट को थोड़ा सा हम सेव कर पाए क्योंकि जो सर्कुलर कह रहा है चौदह वाला बहुत स्ट्रिक्ट कह रहा है कि स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन विल विल बी बी स्टर्न एक्शन टेकन अगेंस्ट बैंक्स अगर वो इस तरह की इन तीन चीजों में कहीं फेल हो रहे हैं राइट सर रिजोर्टिंग टू मैनुअल इंटरवेंस उसने क्या कहा सर्कुलर ने उसने मैं बता रहा हूं हाईलाइट उसके पांच हाई लाइट्स मैं पंचतत्व से जोड़ता हूं हर चीजों को अग्रवाल साहब को पता है पांच हाईलाइट रिजोर्टिंग टू मैनुअल इंटरवेंशन या ओवर राइडिंग ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स मैनुअल इंटरवेंशन बी डिस हैं वो ऑटोमेटेड होने चाहिए सीबीएस के साथ ऑटोमेटेड का मतलब कि अगर एक चेंज यहां कोई करोगे आप उसके तो साथ, के साथ उस चेंज सीबीएस भी ले, ले लेगा ऑटोमेटिक मैनुअल नहीं ऐसा नहीं कि आपने वहां से डाटा लंप किया डाउनलोड किया और फिर अपलोड कर दिया नो no, कह रहा ऑटोमेटेड होना चाहिए वो डिफरेंट आपका अगर सॉफ्टवेयर कोई चल रहा है इट शुड बी ऑटोमेटेड विथ सीबीएस। जून तीस 2021 डेडलाइन है इन सारे पॉइंट्स के लिए और उसके बाद वो कहता है पीरियडिकली एटलीस्ट ईयरली सच ऑडिट सिस्टम शुड बी देयर फॉर इरेक्ट नॉम्स हर साल बैंक लेवल पे एक इसका इरेक्ट नॉम्स के हिसाब से ऑडिट होगा जिसमें ये देखेगा कि नॉर्म्स के हिसाब से सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एनपीए हो रहा या नहीं हो रहा है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट उसने ये कहा कि एनफोर्समेंट एक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस एनफोर्समेंट के प्रोविजन लगेंगे आपने अगर कहीं लैप्सिस किए और अगर ये एज ए ब्रांच ऑडिटर हम इनको हाईलाइट कहीं कर पा रहे हैं कि ये लैपिस हैं देन ऑफ कोर्स वी आर अलर्टिंग टू अवर प्रिंसिपल ऑडिटर आल्सो सर तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है अग्रवाल साहब तो अगर कंटिन्यू कंटिन्यू कर लो सर अभी मिनट यदि मेंबर तो, तो, हाँ, रह भी तो है, मुझे लगता है। क्योंकि सभी का घर जाने का प्लीज कर लो सर घर जाने का सभी का टाइम हो रहा है अब अब बात किसी सैनी साहब ने बात की थी दीपक जी ने कि एंगेजमेंट लेटर और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो मैं ये कहता हूं कि आप फर्स्ट डे इसको मत मांगो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे साइन हो रहे हो दीपक जी उसके साथ में आप जो डॉक्यूमेंट लगा दोगे आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपने पहले दिन जाके एंगेजमेंट लेटर मेरे जैन साहब मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसिस हुए साहब ये तो मना कर दिया हमारे कंट्रोलर ने कि हमें एंगेजमेंट लेटर नहीं देंगे आप हम तो प्रिंसिपल ऑडिटर को देंगे बस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम आपको नहीं देंगे प्रिंसिपल ऑडिटर को देंगे तो मैं कहता हूँ भैया पहले दिन मत मांगो अग्रवाल साहब थोड़ा कोऑर्डिनेशन रखो उनके साथ जब पूरा बंच का बंच साइन हो रहा है तब वो ऊपर उठा के सर भी नहीं देखता कि उसमें क्या साइन कर रहा है और अगर देखता भी है तो भैया ये नई रिक्वायरमेंट आई है उस समय नो बडी क्योंकि क्योंकि के साथ बट है यही कि जब तक आप ब्रांच लेवल पे हो और जब तक आपको ब्रांच में कॉपरेशन चाहिए तब तक वी शुड नॉट इशू अवर फाइंडिंग्स टिल यू नीड द कॉपरेशन फ्रॉम द ब्रांच अगर आपने अपनी फाइंडिंग्स दे दी तो कॉपरेशन मिलना बंद हो जाएगा तो कोशिश यही करते हैं कि जब तक ब्रांच से कॉपरेशन चाहिए तब तक अपने पत्ते आप मत खोलो सिंपल वर्ड से अपनी मत दो जब आपको ब्रांच से कुछ नहीं चाहिए सारे आपके आपके एविडेंसेस पास है देन यू शुड इशू द ड्राफ्ट 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 ओपिनियन एल एफ एवरीथिंग कि भाई आप इसमें अपना फीडबैक दे दो वॉट एवर यू वॉन्ट टू से और उसके बाद हम ये रिपोर्ट आपको इशू कर पाएंगे और एक ये ऑडिट प्रोग्राम ऑफ कोर्स आपकी फाइल में होना चाहिए एग्रीकल्चर लॉन्च मैं मैं फिर बहुत बोल्डली कह रहा हूं एग्रीकल्चर लोन्स की जो ब्रांचेज हैं पर्टिकुलरली उसमें सर क्लीन ओपिनियन तो हो ही नहीं सकती सर ओनली क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इज द ओनली ऑप्शन बिलीव मी उसका रीजन सबसे बड़ा और ये इन ब्रांचेज को मैं ब्लेसिंग्स मानता हूं अपने लिए क्योंकि जो दूसरे ब्रांचेज है सर उसमें हर अकाउंट अलग से बिहेव करता है एवरी एडवांस इज अ डिफरेंट अकाउंट

नॉर्मल एडवांसेस के टर्म्स टर्म्स को लगेंगे। लोग क्या करते हैं मैंने देखा प्रोडक्ट, दे, दे फार्मिंग, आप सुनो तो कहता अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो आपको, आ, का आपको वो मिलेगा ग्रेस और अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप सीजन है तो टू टर्म टू क्रॉप सीजन का ग्रेस मिलेगा इसमें क्रॉप सीजन कौन डिसाइड करता है एसएलवीसी डिसाइड करती है स्टेट लेवल बैंकर कमेटी इसके अंदर जन साहब मैंने क्या देखा कि जब एसएलवीसी क्रॉप सीजन डिसाइड करती है देन दे टेक इनटू अकाउंट द मार्केटिंग पीरियड आल्सो इलेस्ट्रेशन के साथ वो कहते हैं कि भैया ये आपका क्रॉप सीजन है और ये मार्केटिंग पीरियड और ये ऐसे तो उनके हिसाब से जब अकाउंट आपका खराब होता है तो वो होता है 36 महीने में जाके शॉर्ट टर्म वाला जबकि आरबीआई का सर्कुलर क्या कहता है मैंने चैलेंज किया एस एल बी सी सर्कुलर को स्किल इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको एस एल बी का सर्कुलर के लिए आरबीआई क्या कहता है आरबीआई कहता है एस एल बी सीजन अप टू हार्वेस्टिंग फसल कटने तक डिसाइड करेगा वो और ये करते कहा मार्केटिंग पीरियड तो इनवेरिएबली जो शॉर्ट टर्म क्रॉप है अगर कोई कैलेमिटी नेचुरल कैलेमिटी वगैरह का केस नहीं है तो 21 महीने में अकाउंट खराब हो जाता है 21 मंथ्स की रेगुलरिटी के बाद बहुत आप ग्रेस दे दो 24 महीने बिल्कुल कंफर्ट लेवल कंफर्ट लेवल और लाइक वाइज अगर आपका लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन है तो 30 महीने बाद वो अकाउंट एनपीए हो जाता है लेकिन ये आप देखेंगे एसएलबीसी के हिसाब से चलेंगे और वो अकाउंट चार और पांच साल तक खींचते हैं उसको एंड आई जब भी मुझे एग्रीकल्चर ब्रांच मिली है मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन होती थी कि 200 सौ के स्टेटमेंट इकट्ठे करने बड़े बड़े के और एडवर्स ओपिनियन देने क्योंकि वो अकाउंट क्लासिफाइड ठीक से नहीं होते वो सारे एनपीए और पीए में पड़े हुए सेम डे डिपॉजिट, सेम डे विड्रॉल और एन नंबर ऑफ रेगुलटीज आर देयर और उसके हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी साइन करके आ रहे हैं माइंड इट

तो तीसरी साल जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है जैन साहब बोला मैं पूरी ब्रांच एनपीए डिक्लेयर कर दूंगा ये वाली ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट का ये है सर बोले आप तो कर दो, नहीं, तो, आ, देन जैन साहब लास्ट टू लास्ट काइंडली पोस्टपोन द ऑडिट एजर रिपोर्ट एंड वी विल गेट बैक टू इन विद इन टू वीक्स

तो बाकी ब्रांचेज एग्रीकल्चर की ठीक है क्या इससे ज्यादा और हाईलाइट क्या कर सकते हो सर दिस इज योर लिमिटेशन और जो जब हमने विजिट की थी तीन परसेंट का डिक्लेयर्ड था ब्रांच के अंदर एनपीए एग्रीकल्चर एडवांसेस तो वी हैव टू सी ऑल दीस थिंग्स बहुत काम इसके अंदर बहुत है लेकिन हमारा फोकस और हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम ऑडिट रिपोर्ट में इन सब चीजों को कैसे एड्रेस करें फ्रेंड्स वही है जिस तरह से बैंक कहीं ना कहीं इसका इतना लिटरेचर इतना बड़ा फील्ड है ये बैंक ब्रांच ऑडिट मैंने कहा ना जितना अप्लाई कर सकते हो करो बट ये एविडेंसिस आप अपने साथ रखो और आपका फोकस यही होना चाहिए कि हमें यहाँ पर सिस्टम्स को चैलेंज करना और सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए एक केस थी सिस्टम्स को जिसके बेस पे ये कह रहे हैं कि ऑडिट की जरूरत नहीं है आई डू फियर कि अभी कम से कम मोरल चेक तो है कि ऑडिटर्स आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर फिर तो मोरल चेक भी खत्म मोरल चेक भी खत्म हमें वी ऑल नो कि कौन करेंट ऑडिट कैसे हो रहा है स्टॉक ऑडिट कैसे हो रहा है केवल पिस्टल ही नहीं दिखाई जाती बाकी सब कुछ हो जाता है कि तो भाई करना हो करो नहीं मैं छोड़ दो इसको कम से कम आज स्टेचरी ऑडिटर के लिए ये नौबत नहीं थी और अगर ये स्टेचरी ऑडिट इस तरह से खत्म होता है तो एसेट की क्वालिटी क्या होगी ब्रांचेज की बैंकों की आई डू फियर टू कमेंट ऐसा नहीं छोटे अकाउंट्स में बड़े अकाउंट्स में भी बड़े अकाउंट्स में भी जिस तरह की जैन साहब लास्ट ईयर व्हाट आई फाउंड इन वन ऑफ द है लार्ज एडवांस द जर्नल ऑफिस हैड अलाउड द करेंट रेशियो ऑफ पॉइंट सेवन फाइव ठीक सर बताओ आप उसकी डीपी कब बनेगी द मोमेंट आई नोटिस की पॉइंट सेवन फाइव करंट रेशियो है अकाउंट एनपी डीपी बनेगी नहीं आपकी आप त, आपके जो सैंक्शन टर्म्स वो डीपी की बात कर रहे हैं टोटल एडवांसेस ब्रांच का 65 करोड़ इस पर्टिकुलर अकाउंट का एक्सपोजर फोर्टी फाइव करोड़ बताओ अग्रवाल साहब पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आप कह रहे हो कि हमारा हम आपको रेचि अलाउ कर रहे हैं कैसे डीपी बन जाएगी उसकी मैंने लिखा कि जॉनल पीपल डोंट हैव द एबीसी ऑफ द फाइनेंसिंग ये मेरी लैंग्वेज थी सर रिपोर्ट में दे आर अलाइंगाइव परसेंट करेंट रेशियो एंड आर एक्सपेक्टिंग दैट द द डीपी वुड बी देयर ऑफ कस्टमर्स बोरोस तो सर ये सब चीजें हैं बात करने के लिए सर बहुत सी चीजें हैं बट ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है किसी तरह से हम सब मिलके इस असाइनमेंट को अगर सेव कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे Then we should. otherwise जिस तरह से हाथ से चीजें फिसल गई हैं बहुत आगे निकल गई हैं फिर भी एक लास्ट कोशिश जरूर करनी चाहिए दंगल की तरह कि शायद लास्ट बॉल पे हमारा कुछ हो जाए सो विद दिस फ्रेंड्स आई कैन वॉन्ट टू कंक्लूड माई डिलीवरेसन एंड आई एम आई फील सॉरी अगर हमने कहीं कहीं आपको किसी तरह से हर्ट किया हो मेरी कोई इंटेंशन इस तरह की नहीं रहती है बट मुझे यही रहता है कि अगर हम परफॉर्मिंग ऑडिटर कुछ करके दिखा जाए हम एनपीए की तो बात ही नहीं करते जो परफॉर्मिंग ऑडिटर्स का मतलब हु आर आर लिसनिंग हु अटेंडिंग द प्रोग्राम्स हु आर गिविंग द टाइम हु आर फेसिंग द म्यूजिक ऑफ देयर एफर्ट्स उनकी वजह से ये बचा रहा प्रोफेशन और बचा हुआ है तो अगर ये असाइनमेंट हम बचा सकते हैं तो ये बिल्कुल लास्ट विकेट खेल रही है आप ये मान के चलो तो बचा लीजिए अदरवाइज तो पता लगा कि फिर राजेश जी अगले साल हमें बैंक ऑडिट के लिए तो कम से कम नहीं बुलाएंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू गोपाल जी ये बात बिल्कुल सही है आपने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल बात की और नो डाउट ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि चाहे हम समय की बात कर लें या अपने के अपनी इक्विपमेंट की बात कर लें हमारी ऑडिट रिपोर्ट नो डाउट उस तरह की नहीं रही लेकिन फिर भी सर अब आई अश्योर यू सर कि आवर मेंबर्स आर अलर्ट्स एंड दे आर टेकिंगयर ऑफ ऑल दट एवर यूब हियर को तो ये मानना है कि सर हमारा बैंकिंग ऑडिट का क्योंकि अब हमारे मेम्बर्स भी अलर्ट हो गए हैं तो आई रिक्वेस्ट राजेश जैन जी की वो अपने कॉन्क्लूडिंग मार्क्स भी दें और बोट ऑफ थैंक्स भी दें सर ओवर टू राजेश जैन जी थैंक यू राजेश भाई Uh, we have discussed a lot and we have gained a lot Basically. with the deliberation of our gopal gravalji. there are several issues in the bank audit. no doubt, there are certain things which we have to take care. but there are many things on the other side of the table also, and which are definitely important and material and we as a professional body should place those facts also before the authorities that what happens when we go for the audit we are under the tremendous pressure every one of us who is going to the branch or the otherwise the head office also we are under the tremendous pressure that we have to conclude the audit within the specified time frame and banks so moto fix the time frame there is no intervention of the auditors to say their say or the place their point that whether the time frame fixed by the bank, the time frame may be for their staff, but it definitely a pressure on us, a torture, that I say, for us to complete the conclude the work within a time frame. And moreover, what is more important is there is that when we go and start the audit or conduct the audit, there are a lot of efforts by the branch authorities that they waste our time. the time, performing time, reduce a lot. and we are at their mercy many of a time for many things, particularly in case of the outstation audit, though we have a limited time there and we conclude that. but the question is that there are several other things which are to be taken care of. so far as the I will say one more thing that so far as this 3% performance, which we referred in the beginning itself, with the wave, many of our members are definitely doing a good job in the audit. Several members I discussed with them, particularly my own uh, uh, fellow uh, you know friends and other things. And the Saini saab is also there, he's a very hard task master and many others, which I will not able to recollect at the time we always do a justice to the work and with this justice to the work and the reporting in the as an moc how this 3% and the central statutory auditors they are also all working very hard time and uh, you know day and night then how this 3% moc as compared to all that i think we have to just uh, not acceptable at least uh, this stage but whatever is there is a historical fact and then we cannot deny it but definitely the time is very uh, crucial time for the profession for the audit of the bank with the number of banks reduced and which we are expecting that the number of bank will also further reduce in future so we have to save our uh, work not the work but our own uh, proficiency in the bank audit the bank audit is a very important aspect in our professional uh, you know experience and we all will try, and we should, shall try that we should work very hard. And uh, Gopal Garvalji has given us very practical things. The I will request uh, Rajesh agarwalji to share the PPT with our yes, other members, so that you know what is there in the fine words. We can take just go through, read it, make the synopsis and then start our work with these. I on my behalf, on behalf of all other panel members, on behalf of the study circle, and on behalf of rajesh Agarwalji, who has given me the opportunity to uh, place this vote of thanks to gopal Agarwalji. and uh, with these words, i say thank you very much. and one more thing. I'll, I'll request I'll request rajesh Agarwalji that if possible, we just discuss today the general points, you know. So far as the MOC is concerned or the prudential norms are concerned, if we can have a small session, maybe of an hour, to learn the finer points and the legal, whatever the norms are there, that will be a good uh, thing that we can just uh, refresh ourselves uh, sh with shortly within a week. And so, if it is possible, then we can just uh, repeat it again only on the specified prudential norms and how to detect the NPA.

आवाज थोड़ा सा स्लो बोला है भाई साहब और थोड़ा सा दूर रखें हैं स्पीकर से मु अपना मुंह जी 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 सर एग्रीकल्चर के केसेस में आपने बताया कि सेम देना अकाउंट में विड्रोल डिपॉजिट्स का जो रहता है वह इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट को एन्ड से बचाने के लिए तो क्या उनको

ठीक है भाई साहब ठीक है ओके सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच